हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीपेट डिस्कशन सेंटर। ईएसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन की इस सीरीज में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर 7 को, जहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए गए हैं। तो जरूर से आपको इन सभी पूरे एमसीक्यू को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये सारे एमसीक्यू आपको हेल्पफुल रहेंगे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप देख पाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टोपो आइसोमरेज 1 इनहिबिटर। इट मीन्स ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये क्वेश्चन आया है एंटी कैंसर ड्रग से। ठीक है, एंटी कैंसर का पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको ट्रिक से पहले ही बतला दिया है दूसरे मॉडल पेपर में, वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे टोपो आइसोमरेज 1 इनहिबिटर की, जो क्लासिफिकेशन उसके ट्रिक के लिए। तो क्या करिएगा, एक याद रखिए आप लोग कि क्या करना है, 1। तो 1 में आपको क्या करना है, टिकाना है। किसी भी चीज को एक जगह टिक जाओ कहते हैं ना, तो वैसे ही एक जगह आपको क्या करना है, टिकाना है। तो आपको जितना भी सफिक्स आएगा टिकान करके, ठीक है, वो हो जाएगा आपका टोपो आइसोमरेज 1 इनहिबिटर। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कहीं पे टिकान, जैसे कि दिया गया डॉक्सोरूबिसिन, इरिनोटिकान दिया है, ठीक है, इटोपोसाइड दिया गया है, और विनक्रिस्टिन। तो कहीं पर नजर आया, तो ये है आपका टिकान। ठीक है, तो ये जो आपका इरिनोटिकान हो गया, टोपोटिकान, ये सारी कहाँ पर, ये जो आपके ड्रग हैं वो टोपो आइसोमरेज 1 इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, और वहीं पर बात करें यदि डॉक्सोरूबिसिन, ये क्या है, एंटीबायोटिक है, जो कि यूजफुल होते हैं एंटी कैंसर में। ठीक है, इटोपोसाइड की बात करेंगे तो ये जो इटोपोसाइड होता है वो क्या होता है, टोपो आइसोमरेज 2 इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, टोपोआइसोमेरेज 2 इनहिबिटर होता है इटोपोसाइड, 1 होता है टिकान वाले ड्रग, और विनक्रिस्टिन क्या होता है, विनक्रिस्टिन जो है वो आपका माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, विनकाल्क्युलाइड से ऑप्टेन होंगे, तो यहाँ पर इरिनोटिकान हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये पूरी चीज़ें हमने जितने भी मैकेनिज्म हैं इनके और क्लासिफिकेशन देख रखे हैं, अभी हमें क्विक फास्ट चलिए रिविज़न करते हैं। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज़ यूज फॉर एमोबिएसिस ट्रीटमेंट। एमोबिएसिस के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज़ होती है, दिया गया है नाइट्रोफिरेंटाइन, आयोडोक्विनॉल, ठीक है, पाराजिनामाइड, मेफ्लोक्विन दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, यदि एमोबिएसिस की बात करें ट्रीटमेंट के लिए, तो वो होगा आयोडोक्विनॉल यूज़ होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, आयोडोक्विनॉल को साथ ही साथ डाई आयोडो हाइड्रोक्सीक्विनिन भी कहा जाता है। ओके, ये सारे पूरे क्लास किसके हैं, एमोबिसाइडल ड्रग के हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमोबिएसिस में यूज होने वाले ड्रग, तो जो नाइट्रोइमिडाजोल है वो क्या क्या है, आपको मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ये सारे सेक्निडाजोल, ये सारे क्या है आपके इंटेस्टाइनल जो और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल ड्रग होती हैं, जो कि यूजफुल किसमें होंगे, टिश्यू एमोबिसाइड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, 4 अमीनोक्विनोलिन भी इसमें आपको यूजफुल रहेगा, जो कि क्लोरोक्विन है। ठीक है, ये क्या है आपका एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमोबिएसिस में यूजफुल रहता है। लुमिनल एमोबिसाइड की बात करेंगे तो जो एमाइड्स हैं, जैसे कि आपको डायलॉक्सानाइड देख सकते हैं, ठीक है, और जिसके बारे में हमने अभी क्वेश्चन दिया रखा था आयोडोक्विनॉल। ठीक है, तो आयोडोक्विनॉल आपका 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, ये डेरिवेटिव होते हैं और ये यूजफुल होते हैं आपके लुमिनल एमोबिसाइड्स की तरह यूजफुल होंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं, जो कि टेट्रासाइक्लिन है और पैरोमोमाइसिन है। ठीक है, ये दोनों ड्रग हैं जो कि एंटीबायोटिक है और एमोबिसाइड की तरह एक्ट करते हैं, टिश्यू एमोबिसाइडल। ठीक है, टिश्यू एमोबिसाइडल के बारे में हमने देख लिया, इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइनल में जो एक्ट करते हैं, लुमिनल में आपने देख लिया, लुमिनल में आपको एंटीबायोटिक पूछा जाएगा, तो आप याद रखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेट्रासाइक्लिन दिया गया है और क्या है, पैरोमोमाइसिन दिया गया है। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको जरूर से एक बार रिवाइज करा दिया। नेक्स्ट चलेंगे, विच इज अ पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव। इनमें से कौन सा पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव है, तो पैरा से आपको क्या याद रखना है, पैरासिटामॉल। ठीक है, तो ये जो पैरासिटामॉल है वही क्या है, पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव होते हैं, जिसको आप लोग हमेशा ही यूज करते हैं, जब कभी थोड़ा सा फीवर हुआ तो पैरासिटामॉल आप खा लिए, तो वो क्या होता है, पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। अब नेक्स्ट चलेंगे, ऑल आर किल्ड इन एक्टिवेटेड वैक्सीन एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा जो किल्ड नहीं है, एक्सेप्ट दिया गया है, इसलिए अब आपको कौन सा चूज करना होगा, जो कि इनएक्टिवेटेड नहीं हो, मीन्स वो एक्टिव हो, ठीक है, मीन्स लाइव हो, लाइव वैक्सीन की बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया BCG, रैबिस, पर्ट्यूशीस और टिटेनस टॉक्साइड दिया गया है। तो यदि हम BCG की बात करें, तो ये क्या होता है, ये लाइव एटेन्यूएटेड होता है। ठीक है,
एटेन्यूएटेड वैक्सीन ये होते हैं। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन मीन्स क्या हो गया, इन एटेन्यूएटेड मीन्स क्या हो गया, इनकी जो एक्टिविटी है उनको थोड़ा कम कर दिया गया है। ठीक है, यदि उनकी एक्टिविटी वैसी ही रही तो क्या हो जाएगा, डिसीज काउस हो जाएगा। ठीक है, डिसीज और डिसऑर्डर होने के चांस होंगे। तो वैक्सीन क्या करता है, सिर्फ एक एंटीजन की तरह एक्ट करे, इसीलिए इनका जो एक्टिविटी है उनको वीक कर दिया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसीलिए इसको हम कहते हैं जो VCG क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। पूरी क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है, आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टॉपिकली यूज्ड सल्फोनामाइड एक्सेप्ट, ठीक है, सल्फोनामाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सल्फोनामाइड, बहुत सारे ड्रग्स सल्फोनामाइड के क्या होते हैं, कुछ टॉपिकल यूज होते हैं, कुछ आपको पेरेंट्रली लेना भी पड़ता है, ओके, और कुछ आपको ओरली लेना होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें टॉपिकली, ठीक है, टॉपिकली इट मीन्स बर्न वगैरह की कंडीशन में यूज होने वाले, ठीक है। तो बर्न की कंडीशन में यूज होने वाले ड्रग कौन कौन से हैं, जैसे कि सल्फासेटामाइड हो गया, ठीक है, सिल्वर सल्फाडाइजिन दिया गया है, ठीक है, और मेफेनाइड, ये सारे टॉपिकल यूज होते हैं बर्न वगैरह की कंडीशन में। बट जो आपका सल्फा डायाजीन है ये मेनिंगाइटिस की कंडीशन में यूजफुल रहता है, इसको टॉपिकली हम नहीं ले सकते, ठीक है, मेनिंगाइटिस में इसको यूज करते हैं। अब देख पाएंगे इनके और क्लासिफिकेशन को, सल्फामेथॉक्सासोल, जैसे कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूजफुल होगा, ओके, सल्फाडॉक्सिन एंड पायरीमेथामिन, इनको हम मलेरिया की कंडीशन में कॉम्बिनेशन फॉर्म में लेते हैं, बहुत अच्छा इफेक्टिव ये होगा। सल्फाडायाजीन एंड पायरीमेथामिन को टॉक्सोप्लाज्मोसिस में लिया जाता है, ठीक है। सल्फासेलाजिन को हम लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, स्टार मार्क लगा लेंगे, सल्फासेलाजिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूजफुल होता है। आगे चलेंगे, ऑल आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा एपिलेप्टी का ड्रग नहीं है, चलिए बताइएगा। अभी आपने देखा होगा कई बारी, आपने इसको फार्माकोग्राफी में भी यदि देखा होगा इस ड्रग को, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि इसका क्या यूज़ है। जैसे कि आपको इथोसक्सिमाइड दिया गया है, रिजरपिन, वही फार्माकोग्राफी में आपने रिजरपिन के बारे में स्टडी की थी, ठीक है। गाबापेक्टिन दिया गया है, और आपका गाबापेक्टिन हो गया, अब दिया गया है विगाबार्टिन, ओके, तो ये सारे क्या है, आपका गाबापेक्टिन हो गया, विगाबार्टिन है, ठीक है, इथोसक्सिमाइड है, ये क्या होते हैं, ये आपके एपिलेप्सी में यूज़ होने वाले ड्रग है, या फिर एंटी सीजर कह लीजिए, एंटी एपिलेप्टिक कह लीजिए, एंटी कन्वर्जेंट कह लीजिए, तो उसमें यूज़ होते हैं इथोसक्सिमाइड, गाबापेक्टिन और विगाबार्टिन। बट यदि रिजर्विन की बात करें तो ये क्या होते हैं, हाइपोटेंसिव एक्टिविटी ये रखते हैं, हाइपोटेंसिव एक्टिविटी रखते हैं रिजरपिन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा गया है, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, बहुत इजी था। मैंने कई बार आपको रिजरपिन के बारे में बताया है, राउल्फी एल्किलॉइड से ऑप्टेन होते हैं और ये हाइपोटेंसिव प्रॉपर्टी रखते हैं। अब यदि हम बात करें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की, एक बार और से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, तो बारबिटूरेट्स, ठीक है, बारबिटूरेट्स जैसे कि फिनोबारबिटोन का यूज़ किया जाता है, हाइडेंटोइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, IMP कर लीजिए, फेनिडोइन को पूछा ही जाता है, जो कि एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूजफुल होते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ सक्सिनेमाइड, ठीक है, इथोसक्सिमाइड ऑप्शन में दिया गया था, कार्बामाजेपिन, ओके, वेलप्रोरेट, तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है एपिलेप्सी के लिए। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग को याद रखते जाइएगा, ठीक है, और जितने भी हैं उनको एक बार जरूर से रीड कर लीजिएगा, जैसे गाबापेक्टिन हो गया, विगाबार्टिन, इन सभी का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं एपिलेप्सी के कंडीशन में। नेक्स्ट है बहुत इजी क्वेश्चन, मायोसिस मीन्स, मायोसिस किसे कहते हैं, दिया गया स्टेट ऑफ क्रोमिक सिकनेस, डायरेशन ऑफ पीपल एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पीपल, स्टेज ऑफ इनडाइजेशन, ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, चलिए बताइए यहाँ पर। जब कभी भी हमने क्या किया, आपने देखा होगा जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो क्या करते हैं, जो आपके पीपल के साइज को बहुत ही छोटा कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मायोसिस कहते हैं, जब कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है पीपल का, बट वहीं पर डायलेशन होता है उसे क्या कहेंगे, उसका आंसर आपको देना होगा। तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि जब कभी भी पीपल डायलेट हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, यहां पर मैंने आपको करेक्ट आंसर बतला दिया। नेक्स्ट चलेंगे, हिट एंड रन ड्रग्स आर, हिट एंड रन, नाम से क्लियर है कि क्या कर रहा है, कोई हिट करके तुरंत ही भाग जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ड्रग को, मतलब कि ऐसे ड्रग की कैटेगरी को क्या कहेंगे, क्यों ऐसा कहते हैं इस ड्रग को, हिट एंड रन ड्रग, तो ऐसे ड्रग जो कि क्या करें, उनका इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक रहे, ठीक है, वो यदि बाहर भी चले जाते हैं बॉडी से, इट मीन्स उनका इफेक्ट पूरा
उनका टाइम चला गया, पर वो क्या है, उनका इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो ऐसे ड्रग को हम हिट एंड रन ड्रग कहते हैं। ऑप्शंस में देख लीजिए क्या देखेंगे, हुज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कैन नॉट बी मेजर्ड, हुज इफेक्ट लास्ट लॉन्गर देन द ड्रग इट्सेल्फ, दोज विथ शॉर्ट लाइफ, दोज विथड्रॉवन फ्रॉम द मार्केट वेरी फास्ट। तो हिट एंड रन ड्रग किसे कहेंगे, ऐसे ड्रग जो कि क्या है उनके सेल्फ लाइफ मीन्स उनके लाइफ से भी ज़्यादा उनका क्या होता है, उनका लॉन्गर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हुज इफेक्ट लास्ट लॉन्गर देन इट ड्रग इट्सेल्फ, ठीक है, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर जब कभी भी हम हिट और रन ड्रग की बात करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, रिजर्पिन और ओमेप्राजोल, ये ऐसे ड्रग हैं जो कि हिट एंड रन की जो एक्टिविटी है वो रखते हैं। जो इनका ड्रग है, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग मे बी लॉन्गर देन द एक्चुअल स्टे, ठीक है। तो मीन्स वो ड्रग खुद की उनकी क्या है जो एबिलिटी है, वो जो ड्रग है वो बॉडी से चली भी जाती तो भी इनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, ऐसे ड्रग को हम हिट एंड रन ड्रग कहेंगे। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग काउज, ठीक है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या करता है, जैसे कि हमने अभी बात किया कोलिनर्जिक ड्रग जिसको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कहेंगे, वो क्या करते हैं पीपल को मायोसिस करते हैं, पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्या इफेक्ट करते हैं, दिया गया ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोडाइलेशन, माइड्रियासिस एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें की अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया मीन्स क्या होता है, हार्ट रेट जो कम हो जाना, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रोंकोडाइलेशन को ब्रोंकियोल को क्या डायलेट करता है, नहीं बल्कि जो आपका पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है वो क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पर करते हैं जो ब्रोंकियल है उनका। माइड्रियासिस मीन्स क्या होता है, पीपल का साइट डायलेट होना, डायलेशन ऑफ पीपल को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, माइडियासिस कहेंगे। कॉन्स्टिपेशन, तो ये क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन तो कर ही नहीं सकते, जितने भी जो एंटीकोलिनर्जिक हैं वही सारे जो कॉन्स्टिपेशन करते हैं, माइडियासिस और ब्रोंकोडाइलेटर, ये सारी चीज़ें कौन करता है, जो होगा एंटी मीन्स एंटीकोलिनर्जिक होंगे वो करेंगे, ओके। बट ब्रेडिकार्डिया की बात करेंगे तो हार्ट रेट कम होना ये एक्टिविटी है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग या फिर कोलिनर्जिक ड्रग कह सकते हैं, ओके, हार्ट रेट को ये डिक्रीज करते हैं। और यदि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें तो ये सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, ओके, और ब्लड वेसल वगैरह में ये फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है वेसोडाइलेशन फिर ये करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, और आई के बारे में मैंने बताया है कि मायोसिस ये करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे अभी, ग्रेनिसेट्रॉन इज अ हाईली सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ ग्रेनिसेट्रॉन, तो जितने भी सेट्रॉन यदि आते हैं तो ये भी याद रख लीजिएगा, सेट्रॉन यदि सफिक्स में आ रहा है तो ये जो ड्रग है वो क्या करेंगे, 5HT3 रिसेप्टार को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। सेरोटोनिन रिसेप्टार इनहिबिटर है 5HT3 मेनली, जो कि क्या करता है इमेटिक मैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये रिसेप्टार, तो इसको इनहिबिट किया जाएगा। इट मीन्स एंटी इमेटिक जो ड्रग होते हैं, ठीक है, उनमें यूजफुल होते हैं ये जो ग्रेनिसेट्रॉन है, ओंडेंसेट्रॉन, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं कब, जब इमेसिस, ठीक है, एंटी इमेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, ओके, 5HT3 का। जैसे कि ओंडेंसेट्रॉन की बात कर लें और ग्रेनिसेट्रॉन जितने भी सेट्रॉन वाले ड्रग हैं उनको याद रखिएगा 5HT3 एंटागोनिस्ट ये होंगे। नेक्स्ट है इन डिप्रेशन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ, अब डिप्रेशन में क्या होता है, ठीक है, जो हमारे डोपामिन हो गए, नॉन एड्रेनालिन है और सीरोटोनिन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं हमारे क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, कौन कौन से, डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनालिन, तब जाके डिप्रेशन जैसी कंडीशन आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेफिशियंसी होगा 5HT मीन्स सेरोटोनिन का, उस कंडीशन को हम डिप्रेशन कहते हैं। मेनली ये तीनों जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनकी कमी को हम क्या होता है, जिससे कि आपको फीलिंग अनहैप्पी फीलिंग होगा, ठीक है, कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, स्लीप डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, साथ ही साथ सुसाइडल फीलिंग भी आने लगती है, तो ऐसे कंडीशन को डिप्रेशन हम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं रहती, ओके। तो अब इस कंडीशन में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जितने भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे कि 5HT, सेरोटोनिन और डोपामिन, ठीक है, और जो आपके नॉन एड्रेनालिन, ये सारे क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो अब डिप्रेशन कॉज
होता है। ओके चलिए नेक्स्ट चलेंगे, कॉजेज फॉर लेस बायोअवेलेबिलिटी। लेस बायोअवेलेबिलिटी का क्या कारण हो सकता है, पहले समझिए कि बायोअवेलेबिलिटी मीन्स होता क्या है। जब कोई ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है उसे बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। ओके तो देखिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स ब्लड हो गया। ओके तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब कोई ड्रग जाता है उसे बायोअवेलेबल कहते हैं, मीन्स उस डोज को जितना डोज जा रहा है उसको बायोअवेलेबल डोज हम कहेंगे। अब देखिए कब जाकर जो आपका बायोअवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगा, ये देखिएगा। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हाई सॉल्युबिलिटी। तो क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर देखिए, जब कभी भी यदि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई हो जाए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मींस सबसे पहले जब ड्रग एक बार लीवर को क्रॉस कर जाए, ठीक है, लीवर को एक बार जब क्रॉस कर जाए उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अब देखिए अब ये आपका क्या है, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया और यहाँ पर लीवर बना हुआ है, तो यहाँ तक आते हुए ड्रग कुछ एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो यदि इनका फर्स्ट पास मेटाबोलाइज्म बहुत फास्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, अब्सॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे, मींस एब्जॉर्प्शन यहां कम हो गया जिससे कि बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पास मेटाबोलाइज्म जिन ड्रग का सबसे मतलब हाई होता है उनकी बायोअवेलेबिलिटी हमेशा कम होती है। एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, जो ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज रहेगी, मींस अच्छा रहेगा, और जो ड्रग डिक्रीज होगा उनका एब्जॉर्प्शन तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। वैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में यदि किसी ड्रग का हाई है, ठीक है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, पर वहीं पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम है तब जाकर उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज रहती है। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर कौन है, यहां पर मैंने आपको एक बार बताया था कि सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर कौन है, स्मोलॉल, ठीक है। स्मोलॉल क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है। अब बात करेंगे लॉन्गेस्ट एक्टिंग की, तो वो है आपका नेडोलॉल, ठीक है। नेडोलॉल जो होता है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर होते हैं और शॉर्टेस्ट है आपके स्मोलॉल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लोकल एनेस्थेटिक एक्ट बाय। ओके लोकल एनेस्थेटिक जितने भी ड्रग हैं, मीन्स जो लोकली एक्ट करती हैं, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, क्या किस टाइप से वो एक्ट करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ये देखेंगे। दिया गया है बाइंडिंग टू कैल्शियम रिसेप्टर और नर्व मेम्ब्रेन, बाइंडिंग ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल ऑफ नर्व मेम्ब्रेन, इनहिबिटिंग सोडियम पंप एंड एक्सिबिटिंग सोडियम पंप। तो क्या होता है, जितने भी आपके लोकल एनेस्थेटिक है वो क्या करते हैं, सोडियम पंप को इनहिबिट करते हैं। सोडियम पंप को इनहिबिट करके सोडियम इनहिबिटर होते हैं, सोडियम पंप इनहिबिटर होते हैं जो कि लोकल एनेस्थेटिक की तरह एक्ट ये करती हैं, ठीक है। क्या करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे, द मेन साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल है उसे ही क्या कर देते हैं, इनहिबिट ये करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं इनको, ठीक है, जिससे कि ये एनाल्जेसिया इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं लोकली। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेमेंटाइन, ठीक है। अब मेमेंटाइन क्या होता है भाई, मेमेंटाइन NMDA एंटागोनिस्ट होता है, जो ग्लूटामेट रिसेप्टर होते हैं उनकी जो फैमिली है NMDA, ठीक है, तो इनको क्या करता है, ये एंटागोनाइज करता है और ये मेनली अल्जाइमर वगैरह की कंडीशन में यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NMDA एंटागोनिस्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इनका फुल फॉर्म क्या है, N-methyl-D-aspartate होता है इनका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अल्जाइमर कंडीशन में यूजफुल होते हैं, ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी इसको हम कह सकते हैं भाई। ओके चलिए तो अब आगे बढ़ते जाते हैं, अब कुछ HCP से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मायोसिस, ठीक है। देखिए मायोसिस ये क्या है, मींस सेल डिवीजन की स्टेज है, तो सेल डिवीजन में जो मायोसिस का स्टेज होता है, मींस एम फेज होता है, उसमें चार और फेजेस होती हैं, जैसे एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एनाफेज में मेनली क्या होता है, एनाफेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो क्या होने लगते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, दिया गया फर्स्ट में ही होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट में ही आपको इसका करेक्ट आंसर मिल गया। एनाफेज कंडीशन में जो आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। वैसे ही दिया गया आपका प्रोफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। मायोसिस फेज की क्या हो जाती है, ये पार्ट है, ओके ये चार पार्ट होती है, इसलिए मायोसिस सबसे लॉन्ग फेज यहां पर होती है सेल डिवीजन की, ओके। और साथ ही साथ कौन कौन से फेज होते हैं, एस फेज होता है, जी1 फेज और जी2 फेज होता है सेल डिवीजन में, ओके, जिसमें से मायोसिस की फेज में और चार पार्ट होते हैं जो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चार फेजेस
होती हैं। ओके, नेक्स्ट है एन इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइड्रोफोबिया। ओके, देखिए हाइड्रोफोबिया कौन से इन्फेक्शन में होता है। अब आप सोचेंगे मैम हमें भी अभी तो ठंड चल रही है तो लग रहा है कि क्या हो चुका है, हमें भी हाइड्रोफोबिया हो चुका है, तो क्या मतलब कि हाइड्रोफोबिया मीन्स होता क्या है। हाइड्रो मीन्स है आपका वाटर, ठीक है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फोबिया मीन्स होता है फियर, ठीक है। तो किससे फियर है, वाटर से फियर हो रही है, ठीक है। तो क्यों फियर हो रही है, ये बात कौन सी इन्फेक्शन हुई। तो अब आप सोचेंगे मैम ठंड में हमें भी वाटर से फियर होने लगता है, हाइड्रोफोबिक हम हो जाते हैं, तो क्या हमें भी इन्फेक्शन हो चुकी है। तो नहीं, आपका वो कोई इन्फेक्शन नहीं, क्या है आपका वो आलसपन है ना। तो यहाँ पर देखिए कोई इन्फेक्शन, ऐसा कुछ इन्फेक्शन है जहाँ से हाइड्रोफोबिया काउज होता है, क्या होगा। ऑप्शन देखिए टिटैनस दिया गया है, ट्रैकोमा दिया गया है, रेबिस और लेप्रोसी दिया गया है। तो जब कभी भी आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि क्या करते हैं जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, जैसे कि आप कह लीजिए डॉग ले लीजिए, ठीक है। तो डॉग का हमेशा जब कभी भी बाइट होता है तो ऐसे डॉग जिनके सलाइवा में रेबिस का वायरस है, तो वो जिससे कि क्या होता है वो बाइट करेगा, तो आपका जैसे हैंड में बाइट किया या फिर पैर में बाइट किया, तो उनके सलाइवा के थ्रू जो उनका रेबिस है, रेबिस वायरस है, वो क्या चला जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। देन धीरे धीरे करके वो अब हमारे नर्वस सिस्टम से होता हुआ CNS तक पहुंच जाता है। और ये जो ड्यूरेशन है किन में आइएगा, ये जो ड्यूरेशन है रेबिस का जो वायरस है बहुत ही स्लो एक्ट करेगा, जिससे कि आपको 6 मंथ से लेकर या 15 दिन से, ठीक है, 15 दिन से लेकर ये 6 ईयर तक का टाइम लग जाता है आपकी CNS तक जाने में। और जब जाके CNS में जाएगा तभी क्या होगा, इनका इफेक्ट मतलब इनका जो एक्टिविटी है वो दिखना स्टार्ट होगा, सिंड्रोम दिखना स्टार्ट होगा रेबीज का, जैसे कि आपको बहुत ही एंजाइटी होने लगेगी, ठीक है, परेशानी होने लगेगी और ज़्यादा थ्रस्टी फील करेंगे, बट आपको पानी पीने का मन नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा मीन्स वाटर से डर भी लगेगा, वही हाइड्रोफोबिया जैसी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, कुछ खाने को भी इच्छा वगैरह नहीं होता। और बहुत ही खतरनाक कंडीशन तब आ जाता है जब ये आपकी जो चेस्ट है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन ये करने लगता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाता है, जिससे कि सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और अल्टीमेटली ये क्या होने लग जाता है, दैट जैसी कंडीशन आ जाती है रेबीज के कारण, ठीक है, रेबीज वायरस। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतला दी। नेक्स्ट चलेंगे द इनिशियल सिम्टोम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स क्या हो गया, यह अब ऐसा कंडीशन हुआ जहां पर इंसुलिन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया क्या हो जाता है, जब इंसुलिन कम होता है तो हम लोग हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग लेते हैं, इस टर्म में हमेशा ही कंफ्यूजन होता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब ये हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स इंसुलिन इंक्रीज है, अब आपको क्या करना है, ग्लूकेगॉन को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। चलिए तो क्या होगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर देखेंगे ऐसी कंडीशन में, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में हमेशा वोमिटिंग स्वेटिंग जैसा कंडीशन होगा, वीकनेस आपको फील हो गया, नॉजिया होगा, ठीक है, मूड चेंजेस होते रहेंगे हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में। तो यहाँ पर आपका देख पाएंगे करेक्ट आंसर की बात करें, स्वेटिंग और आपका नॉजिया वोमिटिंग, ये सारे कॉमन जो सिंड्रोम है वो आपको पता ही है। मैं आपको बस एक बार रिवाइज यहाँ पर करा दे रही हूँ, ठीक है। आप जानते ही जैसे हाइपोग्लाइसिमिक कंडीशन में वोमिटिंग स्वेटिंग ये तो कॉमन है, ओके, वीकनेस होगा, मूड चेंजेस होंगी, तो ये हाइपोग्लाइसिमिक कंडीशन में मेनली होती हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इज एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है ये कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस है सेल्फ केयर, सप्लाई एंड यूज ऑफ मेडिकेशन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट, असेंबली ऑफ अनप्रिस्क्राइब्ड ड्रग, हेल्थ प्रमोशन, इल हेल्थ प्रिवेंशन एंड अचीविंग हेल्थ ऑब्जेक्टिव। तो आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो है वो क्या, आप देखिए यहाँ पर दिया गया था असेंबली ऑफ अनप्रिस्क्राइब्ड ड्रग, तो अनप्रिस्क्राइब्ड ड्रग का असेंबली करना गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का पार्ट हो ही नहीं सकता, है ना। ऑप्शन से ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं NCCP के बहुत इजी होते हैं, आप ऑप्शन देकर ही समझ जाएंगे। एक्सेप्ट दिया गया है, इट मींस यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में हम क्या करना चाहेंगे, सेल्फ केयर पर ध्यान देंगे, है ना, साथ ही साथ क्या करेंगे, मेडिकेशन जो है वो सप्लाई हो रहा है वो गुड प्रोडक्ट हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो हेल्थ प्रमोशन पर ध्यान देंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में, बट ये नहीं चाहेंगे कि अन्य जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है उनको हम गैदर करें या फिर असेंबल करें, ठीक है। तो यही हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। अब आते हैं कुछ फार्माकोग्नोसिस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दिया गया फैमिली ऑफ गूगल इज, ठीक है, जो आपका कोमीफोरा विघटी होता है उनसे ये ऑप्टेन होते हैं गूगल, ओके। अब इसकी फैमिली की बात करेंगे तो दिया गया है यहाँ पर ब्रुसेरेसी, ठीक है, ब्रुसेरेसी फैमिली से ये
बिलोंग करते हैं, जो आपके गूगल है। ओके, इस प्रकार से देखिए कोमीफोरा विगटि प्लांट आप देख सकते हैं, ये क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे देखिए। और ये क्या होता है, रेजिन कंटेनिंग ड्रग है, ओलियोगम रेजिन में आते हैं कोमीफोरा विगटि, इनका बायोलॉजिकल सोर्स है। इनको क्या किया जाता है, इंसीजन करके, अब देखिए रेजिन को क्या करते हैं, रेजिन को जब कभी भी प्लांट पे चीरा लगाते हैं तब जाकर उनसे जो विस्कस लिक्विड ऑब्टेन होता है वही क्या कहलाता है, रेजिन कहलाता है। ठीक है, तो कोमीफोरा विगटि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और फैमिली है बुट्सरेशी। नेक्स्ट है मीडोसेफ्रॉन सीड इज एन एग्जांपल ऑफ, मीडोसेफ्रॉन सीड किसे कहते हैं भाई, किसे कहते हैं, कई बार मैंने आपको बताया है कि कॉल्चिकम को मीडोसेफ्रॉन ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये कैसे नज़र आते हैं, सेफ्रॉन के जैसे ही नज़र आते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोटो एल्कलॉइड, इट मीन्स ये ऐसे एल्कलॉइड होते हैं जो कि अमीनो एसिड से सिंथेसाइज तो होते हैं पर इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अमीनो एल्कलॉइड्स कहते हैं, क्योंकि ये अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अमीनो एल्कलॉइड्स करेक्ट आंसर, जो कि क्या है आपका, मीडोसेफ्रॉन। ठीक है, कॉल्चिकम हो गया, इफेड्रा, ये सारे क्या होते हैं, इफेड्रा को हम क्या कहते हैं, माउवांग कहते हैं। ठीक है, कॉल्चिकम को मीडोसेफ्रॉन कहते हैं, मीडोसेफ्रॉन, और ऑटोमेनल क्रोकस भी इसको कहा जाता है, और ये अमीनो एल्कलॉइड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन अर्जुना, अर्जुना में क्या चीज़ें ये प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन है सिलारिन ए, टोमेंटोसिक एसिड, अर्जुनिक एसिड और इलाजिक एसिड। तो जो अर्जुना बार्क है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेनली ये क्या है, टैनिन कंटेनिंग ड्रग है। ओके, क्या है, टैनिन कंटेनिंग ड्रग है। अब ऑप्शन देख पाएंगे आप, सिलारिन ए, तो ये क्या होता है, ये तो स्क्विल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड स्क्विल में प्रेजेंट होता है, टोमेंटोसिक एसिड ये होता है टैनिन में, ओके, अर्जुनिनिक एसिड तो होगा ही होगा, इलाजिक एसिड भी क्या होगा इसमें प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर सिलारिन ए हो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि हम बात करें अर्जुना में ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सिलारिन ए। नेक्स्ट चलेंगे, सिलारिन एक इसमें होगा स्पिल में। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डिटेक्शन ऑफ कैफीन, कैफीन के डिटेक्शन में, कैफीन क्या होता है, सूडो एल्कलॉइड होते हैं, और इनके डिटेक्शन के लिए जो आपका ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट है वो रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट तो एल्कलॉइडल कंटेनिंग ड्रग के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये कैफीन है, कैफीन तो सूडो एल्कलॉइड है, जिसमें केवल प्रॉपर्टी सिर्फ दिखाने को कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, किन के लिए, जिसमें जैसे कि नाइट्रोजन उनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में रहता है बट वो अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होते। ठीक है, उनको हम कहते हैं सूडो एल्कलॉइड, तो इनके लिए किया जाता है म्यूरोक्साइड टेस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आईएमपी है बहुत, ठीक है, जो कि पर्पल कलर शो करता है, जहां पर क्या करेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम यहां पर पोटेशियम क्लोराइड लेंगे, जिससे कि क्या होता है, अमोनिया भी लेंगे। ठीक है, अमोनिया वेपर जो है वो नजर आता है फिर पर्पल कलर का। ठीक है, तो ये म्यूरोक्साइड का मेन रीजन याद रहे ना रहे, कलर तो याद रख लीजिएगा, जो कि पर्पल कलर ये शो करते हैं कैफीन्स। आगे चलेंगे, द बिटरेस्ट सबस्टेंस इन जेंसियाना लुटिया इज, ठीक है, जेंसियाना लुटिया का सबसे बिटरेस्ट सबस्टेंस मीन जेंसियन, जेंसियन का सबसे बिटरेस्ट केमिकल कॉन्स्टेंट कौन सा है। ठीक है, ये बिटर ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एमारोजेंटिन, जेंसियनिन, जेंटिसिन एंड जेंटियोजेनिन दिया गया है। तो क्या होता है, देखिए रहने को सारे बिटर ग्लाइकोसाइड्स ही हैं, पर सबसे बिटरेस्ट की बात करेंगे तो एमारोजेंटिन होता है सबसे बिटरेस्ट ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, यदि हम जेंसियन की बात करें, ये सारे ग्लाइकोसाइड और इसमें प्रेजेंट होंगे, पर मेनली जो स्पेशल है उसे ही पूछा जाएगा, जैसे कि सबसे ज़्यादा बिटरेस्ट कौन सा है, हमेशा से आते हैं, जैसे कि कोई ड्रग हो गया, जैसे कि टर्मरिक का मैंने आपको बताया होगा कि उसका येलो कलर क्यों है, वैसे ही जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए उसे ही पूछा जाता है, उन सारे फीचर्स को स्टार मार करके रखिएगा। आगे चलेंगे, ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स इन, ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए वर्क करता है ना, फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा एक बार में ही, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको तुरंत ही इसके आंसर पता हो, है ना, जैसे कि ऑक्सीडेशन फॉस्फोरेशन क्यों किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए, द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इज लिंक्ड विथ द रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी, है ना, इससे क्या होता है, एनर्जी, फ्री एनर्जी रिलीज होती है। अब यदि बात कर लें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की, क्या होते हैं स्टेप्स की बात करेंगे, तो थ्री
साइट्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है इनका, और देख पाएंगे आप साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं कब, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में। ओके, मीन्स ये क्या है, ये फ्री एनर्जी को रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विटामिन B12 इज, अब देखिए विटामिन की बात करें तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होगा आपका वाटर सॉल्यूबल विटामिन, एक होते हैं वाटर इनसॉल्युबल विटामिन, ठीक है, ये दो विटामिन होते हैं। तो यदि वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे तो दो विटामिन इसमें आते हैं, विटामिन बी और सी, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। देन उसके बाद जितने विटामिन हैं जैसे ए डी ई के, ये होते हैं आपका फैट सॉल्युबल, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ए डी ई के, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, दो टाइप के विटामिन होते हैं। ओके, बी ट्वेल्व हो गया, बी कॉम्प्लेक्स में ही आ गया और ये हो जाएंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर आएंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको रिकॉल भी करा दूं कि किनको हम क्या कहते हैं, विटामिन बी वन को जैसे कि थायमिन, बी टू को राइबोफ्लेविन, बी थ्री को नियासिन, बी फाइव को पेंटोथैनिक एसिड, बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन एंड बी सेवन को बायोटीन, नाइन को फोलेट कहा जाता है एंड ट्वेल्व को कोबालामिन कहते हैं और सी को एस्कॉर्बिक एसिड हम कहते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट में, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो यहाँ तक थी आपके सभी फार्मासिस्ट में जितने भी फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, एचसीपी और बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट थे और ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, जरूर से इनको आप लोग और रिकॉल कर सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूसी। चलिए फार्मासिस्ट मैराथन के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में जो भी आपको जो प्रॉब्लम आती हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल 7 का। बेसिक रिंग प्रेजेंट इन कैप्टोप्रिल, यस कैप्टोप्रिल एसी इनहिबिटर ड्रग, एंटी हाइपरटेंसी, आपको पता है कैप्टोप्रिल है ना, जो कि मरकेप्टो डेरिवेटिव होता है, मरकेप्टो ग्रुप रहता है इसमें, है ना, इसलिए इसको कैप्टो कहा जाता है। तो कैप्टोप्रिल में क्या पूछ रहा है, बेसिक रिंग मींस हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अगर बेसिक रिंग की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सा है, इमीडाजोलिन, फ्यूरॉन, है ना, पाइरोलिडिन, पीरिडिन। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कैप्टो मतलब मरकेप्टो ग्रुप लगा होगा, प्रिल का मतलब होता है प्रोलीन, प्रोलीन क्या है, एक एमिनो एसिड होता है, प्रोलीन क्या है, एक एमिनो एसिड है। तो प्रोलीन में एक स्केल्टन होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है जिसकी बात की जाती है। तो यहाँ पर जो है आपका जो पूछा जा रहा है, कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर इमीडाजोलिन, फ्यूरॉन, पायरोलिडिन और पीरिडिन का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो पायरोलिडिन जो है प्रोलीन में प्रेजेंट होता है, प्रोलीन जो होता है ये पायरोलिडिन की मॉइटी, ये प्रोलोडीन होता है, इसको पायरोलिडिन कहते हैं, राइट। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है साइड में लगा रहेगा, तो पायरोलिडिन जो है आपका प्रेजेंट रहता है प्रोलीन में, इसलिए क्या होगा करेक्ट आंसर, दैट इज द पायरोलिडिन, पायरोलिडिन इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो दिस वन द सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल। अब कैप्टोप्रिल में और बहुत सारे क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैप्टोप्रिल में, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। कैप्टो मैंने बताया था कि मरकेप्टो ग्रुप है, इसलिए इसको कहा जाता है कैप्टो, क्योंकि कैप्टो मरकेप्टो से लिया गया है। साथ में ये जो ग्रुप है साइड चेन अगर बात करें तो 1, 2, 3, 2 पर क्या लगा हुआ, मिथाइल, इसका मतलब ये कार्बन कैसा हुआ, कायरल कार्बन हुआ, इसका मतलब एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्लियर, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और यहाँ पर जो है ये स्केल्टन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पायरोलिडिन, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए ये एमिनो एसिड प्रोलीन का डेरिवेटिव होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैप्टोप्रिल किस एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या होगा, दैट इज द प्रोलीन, क्या होगा, प्रोलीन। इसलिए प्रोलीन की जो मॉइटी होती है सभी में, जितने भी एसिड इनहिबिटर्स होंगे, चाहे लिसिनोप्रिल हो चाहे कैप्टोप्रिल, जो भी आपको मिलेगा सब में ये मॉइटी मिलेगी ही मिलेगी, साइड चेन में वेरिएशन होता है ना, साइड चेन में वेरिएशन होता है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इससे कि कौन सा प्रोड्रग है, प्रोड्रग है क्या कैप्टोप्रिल, नहीं है। तो पूरे एसी इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल ये दो ड्रग ऐसी हैं जो प्रोड्रग में नहीं आती हैं, बाकी सब में प्रोड्रग आएंगे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट जो आंसर हो गया। अगर बात करें रिमेनिंग हेट्रोसाइक्लिक की, तो इमीडाजोलिन, दिस वन द फ्यूरॉन, दिस इज द पीरिडिन एंड दिस वन द पायरोलिडिन, राइट राइट, पायरोलिडिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, राइट, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 5, 8, है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्लूकोज कंसंट्रेशन शुड नॉट बी एक्सीडिंग देन डॉट 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 इन रिड्यूज ऑस्मोलोटिक ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, क्या होना चाहिए 1 मिलीमोल पर लीटर, 60 मिलीमोल पर लीटर, 50 to 80 मिलीमोल पर लीटर, 80 to 12 मिलीमोल पर लीटर, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ए 111 मिलीमोल पर लीटर, राइट। तो ये रिड्यूस ऑस्मोलिटी ORS है, अगर बात करें यहाँ पर तो ग्लूकोज जो है आपका इसमें क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द सोडियम बट नॉट एक्सीडिंग द 111 मिलीमोल पर लीटर, राइट, और सोडियम दैट इज द 60 to 90 मिली क्यूबेलेट पर लीटर, एंड सिमिलरली पोटेशियम शुड बी विद इन द रेंज ऑफ 15 to 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड इट शुड बी रेंज ऑफ 8 to 12 मिली मोल, तो दिस इज द करेक्ट आंसर दैट इज द 111 मोल पर लीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4559 क्वेश्चन, है ना, 4559 की बात करें तो विच स्टेन पेपर इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आर्सेनिक का, क्योंकि आर्सेनिक का जो टेस्ट होता है एक स्पेसिफिक ऑपरेटर्स यूज किया जाता है, वो जरूर पूछा जाता है, लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन है, राइट, लिमिट टेस्ट में जो है आर्सेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बनता है। चलिए तो इसमें क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा स्टेन, पीएच पेपर, कोबाल्ट नाइट्राइड पेपर, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर एंड कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, तो इस क्वेश्चन में जो आपको जो ऑपरेटर्स यूज किया जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को यूज करते हैं जो आर्सेनिक के साथ जो है स्टेन देता है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इट शुड बी सी, राइट, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। सो दिस वन द गैजेट टेस्ट ऑपरेटर, गैजेट टेस्ट ऑपरेटर्स को बोलते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेटर्स है, यहाँ पर कार्क लगा है, ये आपका जो है ड्रग और सोल्यूशन HCl जिंक एंड मर्क्यूरी क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर होता है ये आर्सेनिक के साथ जो है आपका कलर देता है, स्टेन देता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरिक जो भी आर्सेनिक के डिपेंड करेगा, ये कंसंट्रेशन आर्सेनिक का ज़्यादा हुआ तो स्टेन जो है और भी इंटेंस हो जाएगा, बट किसके प्रेजेंस में होता है, पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में होता है, राइट। तो दिस वन द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए 5 मेंबर रिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए 5 मेंबर रिंग, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए, 5 मेंबर रिंग जो हेट्रोसाइक्लिक कौन सा नहीं है, हाँ, तो अगर आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग का स्ट्रक्चर याद है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर पिरिडीन की अगर हम बात करें तो पिरिडीन का अगर स्ट्रक्चर आप ड्रा करोगे तो ये पिरिडीन है, इसको पिरिडीन बोलते हैं, राइट। तो क्या पूछ रहा है, नॉट ए 5 मेंबर, ये 6 मेंबर हो गया, तो क्वेश्चन जो है आपका आंसर जो है पहले ही आपका करेक्ट हो गया, ये 6 मेंबर जो है आपका पिरिडीन है, जबकि पाइरोल ये होता है, पाइरोल इसको बोलते हैं पाइरोल, ये 5 मेंबर है, ये फ्यूरॉन है इसको भी 5 मेंबर बोलेंगे, और ये पाइराजोल है इसको बोलते हैं पाइराजोल, ठीक है, ये है पाइराजोल, तो ये आपका भी 5 मेंबर है, तो सब के सब 5 मेंबर हैं एक्सेप्ट पीरिडीन, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ए जो है, करेक्ट आंसर हो गया आपका दिस वन द पीरिडीन, सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ पीरिडीन, दिस वन द 6 मेंबर पीरिडीन, है ना, एंड दिस वन द 5 मेंबर पाइरोल फ्यूरॉन एंड पाइराजोल, दीज आर द 5 मेंबर, तो करेक्ट आंसर पीरिडीन। विच एनालिटिकल मेथड इज बेस्ड ऑन, विच एनालिटिकल मेथड इज बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द PPT मीन्स प्रेसिपिटेशन, है ना, किस पर ये बेस्ड है, कौन सा मेथड है, एनालिटिकल टेक्निक के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसका जो है प्रिंसिपल होता है, यहाँ प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे टेक्निक आपको बोल दिया एसिड बेस्ड हाइड्रेशन टेक्निक है, क्या इसमें प्रेसिपिटेशन बनता है, क्या नहीं बनता है, एसिड बेस्ड हाइड्रेशन जो है क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वन एसिड सेकेंड बेस से रिएक्ट करता है, और इसमें स्ट्रांग और
स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस होना चाहिए, राइट। स्ट्रांग एसिड वीक बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो हमेशा अगर आप बात करें एसिड बेस की टाइट्रेशन की, तो इसमें स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस जो शार्प एंड पॉइंट जो है होना चाहिए इसमें, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें भी प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल हो जाता है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जनरली हम लोग किसमें यूज करेंगे, जब कोई कैल्शियम मैग्नीशियम है ना, ये सब जो है आपको मेटल्स यूज करना होता है, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज किया जाता है। यस, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, यहाँ तक प्रेसिपिटेट की बात करते हैं, तो जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसको वे करना है, है ना, वे करना है। तो प्रेसिपिटेट तो बन गया, लेकिन वे नहीं करते प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, किसमें करते हैं, ग्रेविमेट्री, ग्रेवी, ग्रेविटी, ग्रेविटी से यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि वेट का अगर कहीं वेट करना होगा तो ग्रेविटी उसमें ऐड होती है। मास और वेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मास में ग्रेविटी को हम लोग माइनस कर देते हैं, जबकि वेट में ग्रेविटी भी ऐड होती है। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन, वेट ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है, तो वेट अगर जहाँ आ गया समझ जाओ वहाँ पर ग्रेविटी भी वर्क करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, दिस बी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द ग्रेविमेट्री, डी द ग्रेविमेट्री। सो अगर हम बात करें इस तरह के प्रिंसिपल की ग्रेविमेट्री की, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के आपके जो रिएजेंट्स होते हैं, है ना, एक केमिकल रिएक्शन होता है एनालाइट और रिएजेंट्स के बीच, एनालाइट और रिएजेंट जो भी आप यूज करेंगे, वो रिएक्शन जो होता है वहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, उस प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या करते हैं, इग्नाइट कर देते हैं, ताकि जो है उसमें जो भी हो मेटल्स उसको फिर वे कर लेंगे। तो वहाँ पर जो आपका इग्नाइट करने के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वे करते हैं, और उसको कहते हैं ग्रेविमेट्री, ठीक है। दिस इज द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, राइट। तो यहाँ पर एक एनालिटिकल मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मास को वे करते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल। थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम अगेन। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें यहाँ पर फर्दर 29 MCQs देखना है। फार्मास्यूटिक्स कवर करेंगे, DSBM कवर करेंगे, जुरिस्प्रूडेंस, एंड एट लास्ट यहाँ पर हमें एज यूजुअल हमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने हैं। चलिए स्टार्टिंग विद द फार्मास्यूटिक्स पोर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये क्या हो रहा है, एक हिसाब का आपका कंट्रोल रिलीज ड्रग सिस्टम होता है, जिसमें हम किसी वेसिकल्स का यूज़ करके, किसी व्हीकल का यूज़ करके किसी ड्रग को हम चारों ओर से कोट करते हैं, और जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम रहता है उस टाइम पर हम चाहे तो ड्रग रिलीज करवा सकते हैं, या दूसरा हम उसे टारगेटेड एरिया ड्रग रिलीज भी बोल सकते हैं। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया पर जाकर, किसी टारगेटेड एरिया पर जाकर ही वो ड्रग को रिलीज करे, ऐसा फिनोमिनॉन हम इस मैकेनिज्म के अंतर्गत करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें से कौन सा है आपको निकालना है, इम्प्लांट, लिपोजोम, आयनोट्रॉप या एंटोफोरोसिस एंड कोलोडियंस। तो चलिए क्या हो जाएगा, वेसिकुलर से यहाँ पर वेसिकुलर डिलीवरी सिस्टम, ये हो जाएगा आपका लिपोजोम के अंतर्गत, जो लिपोपॉलीसेकेराइड्स से बना रहता है, फॉस्फोलिपिड से बना रहता है। इसका काम क्या रहेगा, हम किसी भी ड्रग को अगर हमने मानकर चलिए हमने कोई ड्रग लिया और हम चाह रहे हैं कि इसका इफ़ेक्ट हमें एक हफ्ते तक चले, मेनली जो एंटी फंगल ड्रग्स के साथ होता है कि एक हफ्ते तक अगर उस ड्रग का इफ़ेक्ट हमें चाहिए, तब हम इन वेसिकल का यूज़ करते हैं। ये हमारे ड्रग के चारों ओर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, जो धीरे धीरे करते हुए एक हफ्ते तक मेडिसिन को रिलीज API को रिलीज करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। हमने मंडे को लिया, लेकिन वो आने वाले संडे तक भी वो काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कैप्सूल, कंटेंट ऑफ आयरन शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है। अगर हम कैप्सूल का जिलेटिन बना रहे हैं, जो एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल बना रहे हैं, इसमें आयरन कंटेंट कितना होना चाहिए, 5, 10, 15 या 20, तो मैक्सिमम लिमिट इसका 15 होना चाहिए, ठीक है। 15% से ज़्यादा नहीं, 15 PPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका आयरन कॉन्टेंट। विस्कोसिटी कितना होना चाहिए, 25 to 45 ये मिलीपॉइज होना चाहिए विस्कोसिटी। ब्लूम स्टैंड की बात करते हैं तो 150 से लेके 250 होना चाहिए। प्लास्टिसाइजर यूज़ में कौन कौन सा प्लास्टिसाइजर यूज़ करेंगे, हम सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन या पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मैकेनिकल फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास बताइए, यहाँ पर आपके मिलीपोर्स फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, सिट्रेट या सॉरी सिंटर्ड फिल्टर एंड सिज फिल्टर। तो चलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर बोरोसिलिकेट ग्लास फिल्टर पूछा गया है, ये आएगा आपका सिंटर्ड फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर की बात करें तो इसमें सेल्युलोस और उसके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट फिल्टर्स हैं। हेपा फिल्टर की बात करें तो इसमें मेन क्या रहेगा, फिल्टर क्या रहेगा, केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा, तो इस फिल्टर किससे बना रहेगा, ये फिल्टर आपका एस्बेस्टॉस या ग्लास से बना रहता है। मिलीपोर फिल्टर की बात करें तो सेल्युलोस से बना रहेगा। सिज फिल्टर की बात करते हैं तो एस्बेस्टॉस या वुड सेल्युलोस इसमें रहेंगे। और सेरामिक फिल्टर की बात करते हैं तो आपके क्या रहेगा, यहाँ पर पोर्सिलेन या आपके किसलगर किस बने रहते हैं। और सिंटर्ड फिल्टर आपका बोरोसिलिकेट ग्लास से बना रहता है। ये आपके फिल्टर और किस चीज़ से बने हैं, आपके कंपोजिशन। मेम्ब्रेन फिल्टर की बात करें तो सेल्युलोस या सेल्युलोस के डेरिवेटिव सेल्युलोस नाइट्रेट ये यहाँ पर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ अ ड्रग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस स्टेज में सबसे ज़्यादा रहेगा, अनस्टेबल, मेटास्टेबल हाइड्रेट या स्टेबल। तो चलिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मतलब लंबे समय, हम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर वो स्टेबल है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट पर ही या हाई टेम्परेचर पर ही वो मेल्ट हो रहा है। तो ये कब होगा, जब हमारा ये फॉर्म या जब हमारा डोजेज फॉर्म पूरी तरीके से स्टेबल रहेगा, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में सबसे ज़्यादा इसके पास क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट का पावर रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये डिस्पेंसिंग से आपके प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म स्यूमेंडस। स्यूमेंडस कहीं लिखा है तो स्यूमेंडस का मतलब क्या होता है, टू बी टेकन, यू टेक, टू बी यूज्ड एंड टू बी अप्लाइड। चलिए स्यूमेंडस कहाँ पर होगा, प्रिस्क्रिप्शन में, ये किसके लिए है, आपके फार्मास आपके रजिस्टर्ड फार्मास रजिस्टर्ड आपके मेडिसिनल प्रैक्टिशनर जो आपके प्रेस्क्राइबर हैं उसके द्वारा किसे ये डायरेक्शन दिया जा रहा है, तो ये डायरेक्शन है आपके पेशेंट के लिए, ठीक है, क्या रहेगा, टू बी टेकन, स्यूमेंडस मतलब टू बी टेकन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल। चलिए जहाँ पर भी वोलाटाइल ऑयल आए आपको क्या पूछा गया है कि सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन वोलाटाइल ऑयल का, इसका आंसर बताइए, एलिक्सर होता है, एरोमेटिक वाटर होता है, सॉल्यूशन होता है या स्पिरिट होता है। चलिए क्या होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर, एलिक्सर तो बिल्कुल हटा दीजिए, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन की बात करें तो सिंपल आपका सॉल्यूशन मतलब आप इसे शुगर के साथ वाटर बोल सकते हैं। स्पिरिट की बात करते हैं यहाँ पर भी आपका अल्कोहलिक सॉल्यूशन रहता है। अगर एरोमेटिक वाटर की बात करें तो जहाँ पर भी भैया आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि वोलाटाइल ऑयल, तो सीधा लगा दीजिए एरोमेटिक वाटर्स, ठीक है, एरोमेटिक वाटर जैसे कैम्फोर वाटर हो रहा है आपका, पीपर वाटर हो रहा है, रोज़ वाटर हो रहा है, ये सभी आ जाएगा आपका एरोमेटिक वाटर के अंतर्गत, ठीक है। एरोमेटिक वाटर भी दो तरीके के होते हैं, एक जो सिंपल आपके फ्लोरसेंस के लिए और दूसरे रहते हैं जो आपके मेडिसिनली यूज़ होते हैं, मेडिसिनली एरोमेटिक वाटर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, टोटल सॉलिड कंटेंट इन स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन शुड बी, ठीक है, सॉलिड कंटेंट किसी स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए सॉलिड कंटेंट कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 10 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, 20 ppm, 30 ppm एंड 40 ppm। तो चलिए जब भी स्टेराइल पढ़ेंगे, स्टेराइल फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि 40 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके वाटर फॉर इंजेक्शन में। ये टेबल आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखी ही लेना है, इस टेबल से जीपैट से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर मैं जीपैट और ईएसआईसी को कंपेयर करूं तो जीपैट में, जीपैट के लगभग लगभग 23 क्वेश्चन, 23 से 25 क्वेश्चन ईएसआईसी में सेम एज इट इज़ रिपीट हुआ है। आप चाहें तो जीपैट डिस्कशन सेंटर इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर अभिषेक सर का वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन कंपेयर करते हुए मिल जाएगा। जीपैट भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप
जितना ESIC के लिए आप पढ़ रहे हैं सेम पैटर्न में आपको GPAT का भी देखते हुए चलना है। तो ये GPAT के लिए भी आपने पढ़ा ही होगा, बस इसे यहाँ भी आपको याद करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, प्रिजर्वेटिव यूजफुल इन आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स में अगर हम प्रिजर्वेटिव की बात करें, मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर एंड फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। चलिए कौन सा यहाँ पर हम प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को यह आसानी से किल कर सकता है। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट इसके पास रहता है। आगे देखते हैं, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग पाउडर ऑन बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी इज नोन एज। अगर पाउडर को उसके डेंसिटी पर के बेसिस पर, डेंसिटी के प्रिंसिपल पर अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, एल्यूट्रेशन एंड बोथ ए एंड बी, यानी आपके सेडिमेंटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। चलिए सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन में पाउडर नहीं आएंगे, सेडिमेंटेशन में आपके सस्पेंशन आएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब एक ही एरिया पर उन्हें केंद्रित कर देना, ठीक है, उनके घुमाकर एक सेंटर ऑफ मास में इन्हें इकट्ठा कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिक्विड के साथ पॉसिबल है। बट अगर हम एल्यूट्रेशन की बात करते हैं तो हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पाउडर्स के बीच हम इसका सेपरेशन कर सकते हैं इस मेथड के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट से विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन। जी हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन, एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सा इनमें से इम्यूनोग्लोबुलिन आपका रेस्पॉन्सिबल है। टोटल कितने तरीके के होते हैं, ADME G करके होते हैं, और इसमें से अगर एलर्जिक रिएक्शन के लिए मैं बोलूँ तो ये आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन ई। और इस टेबल को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ADEGM, इन सभी के फंक्शंस आपको यहां पर याद रखना है। आगे देखते हैं, क्लार्क्स फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन। क्लार्क्स फॉर्मूला किस पर वेट आपका बेस है, बॉडी वेट पर, बॉडी सरफेस पर, बॉडी मास इंडेक्स एंड एज ऑफ द चाइल्ड या एज ऑफ द पेशेंट। चलिए क्या आएगा यहां पर करेक्ट आंसर, क्लार्क्स फॉर्मूला, ये बॉडी वेट पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन आया है चाइल्ड डोज निकालिए यूजिंग द क्लार्क्स फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला आ जाएगा वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 एंड कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड बाय द एडल्ट डोज। यहाँ पर आप अपना वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पेरेंट्रल। इसमें से कौन सा पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल एंड सबलिंगुअल। चलिए क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन, यहाँ पर इंट्रावेनस IV दिया जा रहा है, ठीक है, सबक्यूटेनियस स्किन लेवल पर दिया जा रहा है, इंट्राडर्मल सबसे ऊपरी लेयर पर दिया जा रहा है। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका सबलिंगुअल, सबलिंगुअल कहाँ पर दिया जाएगा, ये माउथ कैविटी में, ठीक है, अंडर द आपके टंग यहाँ पर दिया जाता है। देखिए अंडर द टंग, टंग के नीचे सबलिंगुअल। अगर इंट्रा मस्कुलर की बात करें तो IM 90 डिग्री एंगल बनाते हुए दिया जाता है। सबक्यूटेनियस की बात करते हैं तो 45 डिग्री पर दिया जाता है। इंट्रावेनस IV 25 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और इंट्राडर्मल की बात करते हैं तो 10 से 15 डिग्री बनाते हुए, क्योंकि एपिडर्मिस लेयर पर दिया जाता है, स्किन के सबसे बाहरी लेयर पर दिया जाता है। चलिए मूविंग टुवर्ड द DSBM पोर्शन, क्या क्वेश्चन आ रहा है, द टेस्ट आर यूज्ड टू एस्टिमेट द IQ और मेंटल अल्टरनेस ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे सेल्समैन हैं, अगर इनके IQ लेवल, इनके मेंटल लेवल को हम चेक कर रहे हैं तो इनमें से किस टेस्ट को यूज़ करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रोफियंसी टेस्ट एंड पर्सोनैलिटी टेस्ट। चलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंपली आपको क्वेश्चन में आंसर देखने को मिल जाएगा, IQ मतलब क्या रहा है, सीधा यहाँ पर लगा दीजिए इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा उसके IQ लेवल को हम चेक कर सकते हैं। अगला, द कैंडिडेट कंसिडर्ड सुटेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन आर कॉल्ड फॉर। अगर किसी कैंडिडेट का रेज्यूमे किसी कंपनी में गया और उसने उसके रेज्यूमे के बेसिस पर ही उसे बुला लिया, उसके एप्लीकेशन के बेसिस पर ही उसे बुला लिया, तो इसे क्या बोला जाएगा, सीनियरिटी ऑफ द एप्लीकेशन, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। चलिए सबसे पहला स्टेप, अगर किसी भी हम जॉब के लिए बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप रहेगा ये आपका पर्सनल इंटरव्यू, या जिसे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के नाम से जानेंगे। अगर किसी को सिर्फ उसके एप्लीकेशन के बेसिस पर बुलाया गया है तो ये उसके इंटरव्यू पर रहेगा, आपके प्राइमरी इंटरव्यू पर रहेगा। आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन टू द एग्जिस्ट एम्प्लॉय टू मीट द
रिक्वायरमेंट ऑफ द हायर पोस्ट. चलिए क्या हो रहा है, हायर पोस्ट जो पहले ही एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें हायर पोस्ट देने के लिए किस तरीके का ट्रेनिंग उन्हें दिया जाता है. इंडक्शन ट्रेनिंग, प्रमोशन, रिफ्रेशर एंड जॉब ट्रेनिंग. तो चलिए बहुत इजी है भैया, यहाँ पर जो पहले से एग्जिट कर रहे हैं अभी उनका लो पोजीशन में है और अब क्या हो रहे हैं हाई पोजीशन में, हाई पोजीशन में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है इनका प्रमोशन हो रहा है. ठीक है, लो से हाई लेवल में गए तो क्या हो गया इनका, ऑटोमेटिकली इनका प्रमोशन हो गया. तो प्रमोशन से आप यहाँ पर कोरिलेट कर लीजिएगा प्रमोशनल ट्रेनिंग. ठीक है, हाई पोस्ट को जाने के लिए जो वहाँ उन्हें जिस तरीके का काम करना है उस तरीके का उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है. ज्यूरिसप्रूडेंस स्टार्ट करते हैं. इन विच ईयर्स वेयर ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट एंड रूल फ्रेम्ड. चलिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक हो जाएगा आपका एक्ट और एक हो जाएगा रूल. ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट कब आया था और इसका रूल कब आया है ये बताइए. 1878, 1991, 95 एंड 76, 40 एंड 45, 54 एंड 55. चलिए एक्ट आया था इसका 1954 में और रूल कब पास हुआ था तो ये हो जाएगा 95 में. इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्ट आने का ईयर अलग है और रूल आने का ईयर अलग है. रूल यानी केम इनटू फोर्स कब हुआ है. ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान पर रखते हुए चलना है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ड्रग्स मेंशनड इन शेड्यूल जे इज. अगर ऐसे कोई ड्रग आ रहे हैं जिन जो शेड्यूल जे के अंतर्गत आते हैं इनके एडवर्टाइजमेंट को क्या बोला जाएगा, प्रोहिबिटेड, बोनाफाइड, परमिटेड एंड एक्सेम्प्टेड. तो शेड्यूल जे में ऐसे ड्रग्स आते हैं जो डिजीज क्योर नहीं कर पा रहे हैं और इन ड्रग्स के एडवर्टाइजमेंट को रोक दिया जाता है, इन्हें पूरे तरीके से बैन कर दिया जाता है जिसे प्रोहिबिटेड टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी हम जानते हैं. ये ऐसे इसमें आएंगे ऐसे ड्रग्स जो किसी भी डिजीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते. फॉर एन एग्जांपल अस्थमा की बात करूं, अस्थमा में हम ड्रग्स देकर अस्थमा को सप्रेस कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से इसे ख़त्म नहीं कर सकते. कैंसर की बात करें, कैंसर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसके काउंट को कम कर सकते हैं. तो ऐसे ड्रग्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है. चलिए आपने थोड़ी देखा कहीं मार्केट में कि इस मेडिसिन को खाइए एड्स ख़त्म हो जाएगा, इस मेडिसिन को खाइए कैंसर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ़ देयर आर हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज देन द एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड अ कैंटीन. जी हाँ, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें से इनमें से कितने पर्सन होने चाहिए मिनिमम, अगर इतने रहेंगे तो उसे कैंटीन देने का आवश्यकता है. 250, 500, 320 एंड 100. चलिए टोटल 250, अगर 250 मेंबर हो रहे हैं तो उस कंपनी को कैंटीन प्रोवाइड करना पड़ेगा. अगर 500 मेंबर हो रहे हैं तो उसे एम्प्लॉय वेलफेयर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, ये कुछ फैक्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लड प्रोडक्ट और टू ऑपरेट ब्लड बैंक लाइसेंस इज इशूड इन द फॉर्म नंबर. किस फॉर्म नंबर में लाइसेंस प्रोड्यूस होगा आपके फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स. 28A, 28, 22, 28B and 28C. चलिए क्या जाएगा आपका, 28C के अंतर्गत जब भी हम किसी ब्लड प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो इस ये कहाँ पर आएगा, इसका लाइसेंस फॉर्म नंबर 28C के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है. चलिए जनरल अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं. यूनियन टेरिटोरीज वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर. किस साल में यूनियन टेरिटोरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटोरीज मतलब क्या समझते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर किसी भी तरीके का इलेक्शन नहीं होता, जहाँ के कोई CM नहीं होते, उसे डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लीड करते हैं. 1949, 50, 56 एंड 60. चलिए यूटी कितने हैं, कहाँ पर रहेगा आपका, 1956 में सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया गया था. और अगर अभी बात करते हैं टोटल आपके 8 यूनियन टेरिटोरीज यहाँ पर रहेंगे. आगे देखते हैं. विच एक्ट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेटअप अ फैक्ट चेकिंग यूनिट. सेटअप अ फैक्ट चेकिंग यूनिट,
ठीक है, आईटी अमेंडमेंट रूल 2023, डिजिटल इंडिया एक्ट 2022, डिजिटल मीडिया रूल 23 एंड फ्री स्पेस या फ्री स्पीच रूल 23। चलिए क्या रहेगा यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप हुआ है किसके अंतर्गत, आपका आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल 2022 के अंतर्गत। आगे देखते हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ प्रेजेंट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, तो कहाँ रहेगा ये आपका, वेस्ट बंगाल में। चलिए वेस्ट बंगाल में कहाँ पर है, शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। फाउंडेड, इसके फाउंडर कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब हुआ था इसका फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, 1921 में यहाँ पर इसका सबसे पहला क्या हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसे बनाया गया था। आगे देखते हैं, मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग आर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट और यूटी, ठीक है, जो अभी मोनपा हैंडमेड जो आ रहे हैं प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसका शुरुआत कहाँ हुआ था, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एंड उत्तराखंड। तो चलिए कहाँ हुआ था ये, 1000 साल, लगभग 1000 साल पुरानी है, 1000 साल पुराना ट्रेडिशन से ये चलता आ रहा है, हैंडमेड ये बना रहे हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तवांग अरुणाचल प्रदेश फॉर द लास्ट 100 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं, आर्ट इज अ 100,000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन आर्ट, ठीक है, हैंडमेड ये आर्ट्स बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टीम क्लिंच्ड द थर्ड प्लेस इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में थर्ड प्लेस किसका था, इंग्लैंड, मोरक्को, क्रोएशिया एंड फ्रांस। चलिए थर्ड प्लेस यहाँ पर बताना है, फर्स्ट को तो हमेशा सब याद रखते हैं, सेकंड भी याद रखते हैं, थर्ड आपको बताना है, क्रोएशिया, ठीक है, थर्ड प्लेस किसका था, क्रोएशिया। अगला देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, नेशनल हाईवे लॉन्गेस्ट, जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा है बताइएगा। अभी अगर मैंने लोकेशन बताया होता तो आप तुरंत ही यहाँ पर ऑप्शन में डाल के बता देते कि सर ये है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा एनएच कहाँ से कहाँ किस सिटी से किस सिटी को कनेक्ट करता है, NH44, NH7, NH2 एंड NH3। चलिए NH44 अगर बात करें NH44 की, तो कहाँ से कहाँ ये आपको कनेक्ट कर रहा है, यह आ जाएगा आपका श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ठीक है, समझ गए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, नॉर्थ से लेकर आपका साउथ, इस पूरे को ये कवर कर रहा है, ठीक है, पूरे इंडिया के लेंथ को ले ले रहा है, लगभग 4,500 किलोमीटर का ये डिस्टेंस रहता है, 4,112 किलोमीटर का डिस्टेंस श्रीनगर से कहाँ, कन्याकुमारी की ओर, लॉन्गेस्ट हाईवे, देखिए ये पूरे इंडिया को ही कवर कर ले रहा है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक को कनेक्ट कर रहा है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, इन 2022 हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक आर वर्किंग इन इंडिया, 2022 के बात करते हैं तो कितने पब्लिक सेक्टर बैंक चल रहे थे, 27, 25, 29 एंड 12 पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जैसे आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे बैंक्स टोटल कितने हैं, 22 के हिसाब से टोटल 12 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा आ गए, बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक, इंडियन बैंक, ये सभी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। आगे देखते हैं, व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1935, 49, 29 एंड 1914। तो चलिए आरबीआई सबसे पहले 1 अप्रैल 1935 में स्टार्ट किया गया था, और इस समय इस बैंक में जमा कुल राशि का कीमत था, या कम जमा कुल राशि का अगर मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपीज़, 5 CR की ये इस समय की बनी हुई थी, 1 अप्रैल में ये कहाँ हुआ था, सबसे पहले बनाया गया था 1 अप्रैल 1935, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन आर डाइजेस्टेड बाय, प्रोटीन इनमें से किस एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, न्यूक्लियस, प्रोटीएज, लाइपेज एंड एमाइलेज। चलिए प्रोटीन, प्रोटीन से प्रोटीएज, ठीक है, कहाँ पर रहेगा आपका, स्टोमक से सिक्रेट होगा। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीएज, प्रोटीएज क्या करता है, इसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा आपके स्टोमक में, कहाँ एब्जॉर्ब होता है, इल्यूम में एब्जॉर्ब होता है, ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है, इनमें से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जिसमें कभी भी सुधार नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है यहाँ पर, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। तो चलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक सिर्फ एक ही बार सुधार किया गया है 1971 में, और इसके बाद अभी तक इसमें सुधार नहीं किया गया, जिसमें इसमें तीन तरीके के वर्ड्स ऐड किए गए थे, जिसमें हमारे इंडियंस को बताया जाता है कि हम अब हमारे जो इंडियन हैं ये सर्कुलर होते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स को मनाते हैं, ये सभी, ये तीन वर्ड्स यहाँ पर सबसे पहला इसमें अमेंडमेंट हुआ था और अभी तक का लास्ट अमेंडमेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसी भी स्टेट पॉलिसी की को भी ये चेंज कर सकते हैं, इसका अधिकार है इनके पास। फंडामेंटल राइट्स, जी हाँ, जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं इसे भी चेंज करने का कैपेसिटी है, इसे भी चेंज किया जा सकता है, बट कभी भी जुडिशियल रिव्यू, ध्यान रखिएगा, ये भले ही आपके फील्ड का नहीं हो रहा है लेकिन जनरल चीज़ें हैं, क्वेश्चन बन सकती हैं, तो जुडिशियल रिव्यू ये कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, कभी भी इसमें किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। चलिए विद दिस कंप्लीटिंग द पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन आपको अभिषेक सर कवर करवाएंगे जनरल इंटेलिजेंस के साथ। थैंक यू ऑल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर से रिवीजन हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल, और जीडीसी टीम इसी में लगी हुई है कि आपको लास्ट तक 10 मॉडल पेपर कंप्लीट करा के आपका कंप्लीट रिवीजन कराया जा सके। उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द मॉडल पेपर नंबर 7, और चलिए देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आपको देखो क्या क्या है, क्योंकि ये पूरा रिवीजन का प्लान है, तो जरूर सोच समझ के आंसर करिएगा। व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर, ओके, From top, when the number given below are arranged in descending order, okay, after reversing the position, okay, देखो ये क्या बोला जा रहा है, पहले इनके पोजिशन को रिवर्स करो, जरा लिख लीजिएगा 715, 523, 936, 148, 297, लिख गया। अब इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाओ, 936, 715, then 523, then 297, then 148, बन गया ascending descending order। अब क्या बोला जा रहा है, third number, last digit, तीसरे number पे कौन, ये, और इसकी last digit कौन, 3, तो answer क्या हुआ, 3 is the correct answer। आपसे यही तो बोला गया ना, आपसे यही तो बोला गया ना, पहले इनको आप क्या करिए, रिवर्स करिए, रिवर्स करने के बाद उनका डिसेंडिंग ऑर्डर बनाइए, और डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के बाद अब उनमें से बताइए कि तीसरे का लास्ट डिजिट कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा, इसलिए सोच समझ के चलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कैलाश रिमेंबर दैट हिज ब्रदर दीपक्स बर्थडे फॉल आफ्टर 28 मई, ओके, 20 मई के बाद है बट बिफोर 28 मई है, मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 में से कोई होगा। व्हाइल गीता रिमेंबर दैट दीपक बर्थडे फॉल्स बिफोर 22nd में, ओके, लिमिट खत्म, कम हो गई, 22nd में से पहले बट आफ्टर 12th में है। अब देखो यहां से 20th के बाद आएगा 21st एंड सो ऑन, यहां 12th के बाद आएगा 20 एंड 21। मैंने आपसे क्या बोला था, याद रखिएगा जब इस तरह का डेटा आए तो उसमें जो कॉमन वर्ड आ जाए, कॉमन नंबर आ जाए, वही आपका आंसर होगा। इसमें आएगा 21st,
इसमें भी आएगा 21st। अब आप बोलोगे सर 22nd और 20 भी तो कॉमन होंगे ना? नहीं, ये 22nd नहीं होगा क्योंकि उससे पहले है, ये बोला गया है। 20th इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके बाद है, तो कॉमन में तो 21st ही बचा ना, इसलिए 21st फर्स्ट में आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, धड़ल्ले से आप आंसर लगा सकते हो, करेक्ट है। चलिए आइए थोड़ा सा अच्छा टाइम डायरेक्शन क्या है जरा देखते हैं। आशीष लीव हिज हाउस एट 7:20, मतलब जब भी ऐसा है तो ये कहने का मतलब क्या है कि 7:20 बाकी थे, यानी 6:40 पे आशीष ने अपना घर छोड़ा। ओके, मॉर्निंग रीचेस कुणाल हाउस इन 25 मिनट, कुणाल हाउस वो 25 मिनट बाद पहुंच जाते हैं, यानी 25 मिनट बाद, यानी 7:05 हो गया जब आशीष कुणाल के घर पहुंचा। मे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट अनदर 15 मिनट्स, 15 मिनट उनको ब्रेकफास्ट करने में लग जाता है, तो अब टाइम क्या हो गया, 7:20 हो गया। लीव फॉर देयर ऑफिस, ठीक है, 7:20 पे वो ऑफिस के लिए निकल गए, विच टेक्स अनदर 35 मिनट्स, 35 मिनट उनको और लगते हैं ऑफिस पहुंचने में, तो ये हो जाएगा 7:55 हो जाएगा। एट वॉट टाइम डू दे लीव कुणाल हाउस टू रीच देयर ऑफिस? लो भैया यहां पे आपको ये आंसर नहीं पूछा गया, किस टाइम पे उन्होंने कुणाल का घर छोड़ा, तो आंसर क्या हुआ, 7:20 पे उन्होंने कुणाल का घर छोड़ा ऑफिस जाने के लिए, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन, बड़ा सा है लेकिन खाली आप पढ़ते चले जाओगे आंसर अपने आप मिलता चला जाएगा, आएगा। चलिए बढ़िया, आइए नेक्स्ट। हाउ मेनी डेज विल बी देयर फ्रॉम द 26th January 1996 टू 15th January 1996? जरा देखो ये कब की बात है, 26 जनवरी 1996 से 15 जनवरी 1996, तो साल भर की तो बात नहीं है, कितने मंथ आएंगे, जनवरी हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा, मार्च है, अप्रैल है और मई है, लेकिन क्या बोला गया है, बोथ डेज आर इंक्लूडेड, यानी 26 जनवरी भी जोड़ना है और 15 मई भी जोड़ना है, बताइए टोटल कितने दिन हुए। मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन कराया, जब ऐसी बातें आए तो जनवरी में कितने दिन हो गए, 26 जोड़ के चलेगा तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन हो गए, 6 दिन लिख दिया। फरवरी जरा देखना, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, सर लीप ईयर, और लीप ईयर में 29 की डेज की फरवरी होगी, मार्च 31 डेज, अप्रैल 30, मई में कहां तक की बात करना है, 15 दिन लेना है क्योंकि 15 दिन इंक्लूडेड, 15 इंक्लूडेड है, अब बताइए टोटल कितने दिन हुए, तो 30, 90 यहां से हो गए, 15, 6, 21 यहां से हो गए, तो हमारे टोटल कितने, 111 दिन आ जाएंगे, आएंगे क्या, क्योंकि जनवरी के 6 दिन, फरवरी 29 की है, देखो यहां पे यही है 110, 11, 12, 13, अगर लीप ईयर आपने गलत कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है, और मैंने आपको ये बोला है कैसे आपको लीप ईयर निकालना है, 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो वो भी आप दिमाग में रखिएगा। चलिए आइए ब्लड रिलेशन पे थोड़ा सा। हाउ इज माई फादर्स मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ सिस्टर इज रिलेटेड टू मी, एक एक वर्ड चलो, माई फादर ये हूं मैं, मेरे फादर ये है फादर, फादर्स मदर्स इनकी मदर यानी मेरी ग्रैंड मदर हो गई, ग्रैंड मदर्स, ओनली डॉटर इन लॉ, अब ओनली डॉटर इन लॉ तो ऑब्वियस सी बात है इनकी वाइफ हो जाएंगी, यानी मेरी क्या हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी, हो गई, मदर इन लॉज सिस्टर, अब इनकी सिस्टर, इनकी सिस्टर मेरी क्या होंगी, ऑब्वियसली मेरी मासी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, यस, सो करेक्ट आंसर इज द आंट। कितना टफ है भाई, ब्लड रिलेशन सबसे इजी है, बस समझते जाओ सुनते जाओ, मेरे पिताजी की माताजी, उनकी बहू, बहू की बहन मेरी क्या होंगी, ऑब्वियसली मेरी मासी हो जाएंगी। हाउ इज डेविड्स फादर, चलो एक और ब्लड रिलेशन पे आओ देखो, हाउ इज डेविड्स फादर, ये डेविड है, ये डेविड के फादर हो गए, ये डेविड के फादर हो गए, बताते जाइएगा, डेविड हुए, डेविड के फादर हुए, आगे क्या चल रहा है, ओनली डॉटर इन लॉ, डेविड के फादर के ओनली डॉटर इन लॉ, तो ऑब्वियस सी बात है जब ओनली डॉटर इन लॉ हो गई है तो ये अगर इनकी डॉटर इन लॉ है तो कहीं ना कहीं
डेविड्स फादर्स, डेविड के फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, तो ये डेविड की वाइफ नहीं हो जाएंगी क्या? ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे? हां जी। सन, इनका सन, सन्स वाइफ, सन की वाइफ रिलेटेड टू डेविड। अब बताइए ये जो सन की वाइफ है ये डेविड से कैसे ही है? ऑब्वियस बात है उनकी बहू हो गई। हां जी, डॉटर इन लॉ हो जाएंगी। कितना प्यारा क्वेश्चन है और यही आपका ब्लड रिलेशन आपको नंबर दिला के जाएगा, इसलिए यहां पे गलतियां नहीं करिएगा। एक और देखो ब्लड रिलेशन, संजनाज ब्रदर इन लॉ, संजना के देवर या संजना का जीजा। अभी पूरे दोनों कंडीशन पे लेके चलेंगे, हम लेके चल रहे हैं ये है संजना, संजना के हस्बैंड, संजना के हस्बैंड, हस्बैंड का भाई यानी ब्रदर इन लॉ, किसके? संजना के, संजना के ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ इज द सन ऑफ राम्या, इनकी मदर है कौन? राम्या है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इनका सन ही सन तो हो जाएंगे ना, संजना के हस्बैंड भी इनके सन हो जाएंगे। बढ़िया है, यही चलेगा। हाउ इज संजनाज हस्बैंड, हाउ इज संजनाज हस्बैंड रिलेटेड टू राम्याज हस्बैंड, हाउ इज संजनाज हस्बैंड इज रिलेटेड टू राम्याज हस्बैंड, राम्या के हस्बैंड ये है। अगर संजना के कोई भी सिबलिंग नहीं है, बढ़िया, संजना का कोई भी सिबलिंग नहीं है तो जीजा वाले पे तो नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अब आप बताइएगा कि क्या हो गए, ये है संजना के हस्बैंड, ये है राम्या के हस्बैंड, अब इनका रिलेशन आप में पूछा गया है। अरे बाप बेटे नहीं होंगे क्या? सन हो जाएंगे कि नहीं? ऑब्वियसली देखो, अगर ये लाइन नहीं होती, संजनाज हैड नो सिबलिंग, संजना के कोई भाई बहन नहीं है, भाई बहन होते तब तो ये वाला जीजा बनता ना, भाई बहन तो है नहीं, तो ऑब्वियसली देवर वाली कहानी चलेगी और वो बाप बेटे बन जाएंगे, क्योंकि राम्या संजना का, संजना की सास है और राम्या के हस्बैंड संजना के हस्बैंड बाप बेटे हुए ना। आइए बॉर्ड मास, ऐसा क्वेश्चन दिखे बॉर्ड मास दिमाग में घूम जाए, इफ क्यू मीन्स एड, जरा बदल लीजिएगा, ठीक है, क्यू मीन्स एड, जहां क्यू है वहां एड कर दो, जे मीन्स मल्टीप्लाई, जे है मल्टीप्लाई कर दो, एंड टी मीन्स सब्सट्रैक्ट, टी है सब्सट्रैक्ट कर दो, एंड के मीन्स डिवाइड, के मीन्स डिवाइड। बॉर्ड मास पहले डिवीजन या 13 प्लस मल्टीप्लाई 18 माइनस 4, पहले जोड़ो, माइनस पहले बात करने लग जाना, 8 3 11 31 माइनस 4 27, जी हाँ आंसर आ गया 27। मतलब बहुत सिंपल होता है, बस सीक्वेंस वाइज चलो, पहले ब्रैकेट देन ऑर्डर देन डिवीजन देन मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन देन सब्सट्रैक्शन, आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। आइए देखिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन इफ द गिवन इंटरचेंज आर मेड इन साइन एंड नंबर विच वन ऑफ द फोर इक्वेशन वुड बी करेक्ट, यहां पे कुछ चेंज करना है, जहां प्लस हो उसको माइनस कर दो, जहां फोर है उसको एट कर दो, फोर और एट को इंटरचेंज करो, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करो, अगर इसको करोगे तो क्या मिलेगा, फोर जहां है वहां एट कर दो, एट डिवाइडेड बाय फोर प्लस 12, अगर मैं आंसर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन सही नहीं है। इधर आओ, एट माइनस फोर, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस 12, जरा देखो 8 4 12 माइनस 12 जीरो, हाँ ये इक्वेशन सही है। इधर देखो 4 डिवाइडेड, उल्टा करोगे ना, 4 डिवाइडेड बाय 8, माइनस की जगह प्लस कर दीजिए 12, अब बताइए कितना आएगा, 24 आएगा क्या, किसी एंगल से नहीं आएगा। इधर देखो 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12, 8 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, ये दोनों गलत है, केवल और केवल मेरा क्या सही है, बी आंसर सही है। क्या बोला गया है, प्लस को माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, जहां फोर है वहां एट कर दो, जहां एट है वहां फोर कर दो, इंटरचेंज करना है, केवल इसलिए आपको ध्यान देना था कि दोनों जगह करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आइए थोड़ा सा डायरेक्शन वाइज की चले, रिजवान फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, ये रिजवान भाई साहब खड़े, ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, डायरेक्शन मैंने आपसे हमेशा बोला तुरंत डायरेक्शन बनाइए,
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ की तरफ फेस करके वो खड़े हैं, बढ़िया। लेकिन क्या बोला गया, फेसेस टुवर्ड नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट, खड़े ऐसे थे, अब ये राइट मुड़ रहे हैं इस डायरेक्शन पे, मुड़ गए टू हिज राइट एंड ही वॉक 25 मीटर, यहां पे आप ये चले 25 मीटर चले। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, अब यहां पे जाने के बाद ये लेफ्ट में मुड़ गए, लो भैया लेफ्ट में मुड़ दीजिए, और मुड़ने के बाद कितने चले, लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, यहां 30 मीटर गए, गुड। नेक्स्ट ही मूव टू हिज राइट, अब यहां पे जाने के बाद राइट मुड़ गए, मुड़ दीजिए, और मुड़ने के बाद मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट, 25 मीटर। ही देन टर्न टू हिज राइट अगेन, अब यहां से जाने के बाद फिर से राइट पे मुड़ गए, और राइट पे मुड़ने के बाद कितना चले, 55 चले। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, अब यहां पे आने के बाद ये ऐसे जा रहे थे, फिर राइट मुड़ गए, मुड़ दीजिए, ये राइट मुड़ गए, और राइट मुड़ने के बाद कितना चले, 40 चले, हां जी 40 मीटर चले। 30 इधर, 25 ऑब्वियस सी बात है 55 हो जाएगा, तो ये बड़ा रहेगा, 55 इधर आए, 40 इधर आए, बढ़िया। क्या बोला जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही हाउ नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो क्या ये इस डायरेक्शन में मिलेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मिलेंगे, जरा देखो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है क्या आपका आंसर, अगर आ रहा है एक नंबर आंसर है, लगा दीजिए 25 मीटर, देन 30, देन 25, हमारा यहां पे 55, देन 40, तो आंसर हमारा यहां पे मिल जाएगा, मिलेगा आराम से। चलिए अच्छा एक और, चलो ये भी देखते हैं, मैंक वॉक्ड 25 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, डायरेक्शन जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, साउथ की तरफ चले 25 मीटर चले मैंक, बढ़िया। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब यहां पे जाने के बाद ये लेफ्ट में मुड़ गए, लेफ्ट में मुड़े और कितना चले, 20 मीटर चले। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, अब यहां पे जाने के बाद ये फिर से अपने लेफ्ट में मुड़ गए, मोड़ दीजिए लेफ्ट में, फिर 25 मीटर आए। ही अगेन टर्न टू हिज राइट, अब यहां पे जाने के बाद ये राइट में मुड़ गए, ये राइट में मुड़े एंड वॉक 15 मीटर। एट वॉट डिस्टेंस इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन, बढ़िया। देखो यहां से चले थे 25 गए 25 आए, यानी वापस उसी लाइन में आ गए, ये चले होंगे 20 क्योंकि इधर 20 है, तो ये 20 हो गया, तो 20 प्लस 15 यानी 35 मीटर, और किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, एकदम करेक्ट है, 35 मीटर ईस्ट डायरेक्शन आपका आंसर आना चाहिए, और बिल्कुल आएगा अगर आपने सही डायरेक्शन और सही एंगल पे आपने फॉलो किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following diagram best depicts the relation among water, atmosphere and hydrogen? Water, atmosphere and hydrogen. देखो, atmosphere में water भी है, hydrogen atmosphere में भी है, hydrogen water में भी है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं hydrogen, अब आप बोलोगे सर atmosphere में hydrogen और water दोनों जरूरी नहीं है, hydrogen atmosphere के बाहर भी है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, डी आंसर, सम वॉटर इज, सम हाइड्रोजन इज इन वॉटर, सम हाइड्रोजन इज एटमोस्फियर, सम वॉटर इज इन एटमोस्फियर, सम वॉटर इज नॉट इन एटमोस्फियर। अगर एटमोस्फियर में सारा वॉटर होता तो समंदर के तल के नीचे एटमोस्फियर नहीं आएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। सो हमारा ये है, हाइड्रोजन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोथ वॉटर एंड एटमोस्फियर, वॉटर इज प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, दैट्स ट्रू, बट नॉट ओनली इन द एटमोस्फियर, दैट्स ऑल्सो ट्रू। इन द फिगर गिवेन बिलो व्हाट डज डी रिप्रेजेंट, अच्छा इसमें बताइए डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डांसर है, ये एक्टर है, ये सर्कल सिंगर है, डी यहां है, यानी डांसर से तो बाहर है, एक्टर में इंक्लूड हो रहा है और सिंगर में, यानी ये वो एक्टर है जो सिंगर है बट डांसर नहीं है, एक्टर हु आर नॉट सिंगर, नहीं ये गलत है, एक्टर हु आर सिंगर बट नॉट डांसर, ये सही है, एक्टर हु आर बोथ, नहीं बोथ की बात आती तो ए आ जाता, सिंगर हु आर नॉट डॉक्टर, सॉरी एक्टर, सिंगर हु आर नॉट एक्टर, तब जी आता, तो ये भी नहीं है, हां जी। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, डी यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्टर जो सिंगर है बट डांसर नहीं है। Which one of the following Venn diagram correctly illustrate the relationship among the classes women, mother and widow? देखो
सभी मदर विमेन है, ये तो मानोगे? बिल्कुल, कुछ विमेन विडो हो सकती है और कुछ मदर विडो हो सकती है, ये भी मानोगे? अब अगर ये देखोगे तो क्या कह रहा है, अगर मैं इसको मदर विडो एंड विमेन मानू तो सम विडो, यहां पे क्या बोल रहे हो कि क्या सभी विमेन मदर है या सभी मदर विमेन है? नहीं, गलत है। यहां देखो, विमेन मदर, ये विमेन, ये मदर, ये विडो, तो क्या मदर और विडो से, मदर और विमेन से बाहर आएंगे क्या विडो? नहीं, गलत है। यहां विमेन मदर विडो, ऐसा क्या सभी विमेन नहीं? यहां देखो, अगर मैंने इसको विमेन बोला, ये मदर बोला, ये विडो बोला, हां बात बन रही है। ऑल मदर आर विमेन, सम मदर आर विडो, सम विमेन आर विडो, मतलब सभी माताएं महिलाएं हैं, मानोगे? कुछ माताएं विडो हैं, विधवा हैं, और कुछ महिलाएं विधवा हैं, ये भी चलेगा। एकदम करेक्ट आंसर है डी, आप लगा सकते हो। ऑल मदर्स आर विमेन बट सम मदर्स आर विडो, सम विमेन्स आर विडो, इसलिए आंसर आ जाएगा। चूज फ्रॉम द फोर डायग्राम गिवन बिलो ऑन द इलस्ट्रेटेड रिलेशनशिप अमंग द लैंग्वेज फ्रेंच और जर्मन। लैंग्वेज दो है, फ्रेंच और जर्मन। सी आंसर कुछ मत सोचना, ये लैंग्वेज है, ये जर्मन है और ये फ्रेंच है, ये लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर की तो टाइप ही तो है उसके। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव रिजेंबल द वॉटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। इसका वॉटर इमेज बताओ, चार लाइन के साथ है पलट दो, चार लाइन के साथ है पलट दो, सही है। पांच लाइन कैसे आ, छह लाइन कैसे आ गई, गलत है, ये तो हो गई नहीं। ए आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं, वॉटर इमेज में जस्ट पलट जाता है। A series is given in the term machine. Choose the correct alternative from the given. Will complete the series. Complete करो. C plus one. अच्छा, यहाँ पे क्या है? C plus two. यानी D हटा दिया गया, E आया. D नहीं है, E है. F नहीं है, G है. H नहीं है, I है. J नहीं है, K है. L नहीं है, M है. N नहीं है, O है. P नहीं है, Q है. R नहीं है, S है. टी नहीं है, यू है, तो एस यू आंसर आएगा आपका। मतलब यहां पे अल्टरनेट चल रहा है क्या, अगर ये आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन सिंपल जाओ ना, सी के बाद डी छोड़ के ई, ई के बाद एफ छोड़ के जी, जी के बाद एच छोड़ के आई, आई के बाद जे छोड़ के समथिंग, सो ऑन चलता जा रहा है। इफ गुडनेस इज कोडेड एज द, ओके देखो पहले समझ लो क्या कहा जा रहा है। गुडनेस को कैसे कोड किया गया, एच एन, एच एन पी, सॉरी एच एन पी सी ओ डी टी आर, डी टी आर क्या है, जी प्लस वन ओ, अच्छा माइनस वन, प्लस वन माइनस वन एन ओ, प्लस वन ई से डी, माइनस वन, अच्छा प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन से शुरू करना है। चलो आ जाओ, अब आप बताइए ग्रेटनेस कैसे लिखोगे, ग्रेटनेस कैसे लिखोगे, प्लस वन करो एच आ गया, माइनस वन करो आर से माइनस जाओगे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, प्लस वन करोगे यहां पे हमारा एफ आ जाएगा, माइनस वन करोगे जेड आएगा, प्लस वन करोगे यू आएगा, माइनस वन करोगे एम आएगा, प्लस वन एफ आएगा, माइनस वन आर आएगा, प्लस वन टी आएगा। हां जी, एक को बढ़ाओ फिर घटाओ फिर बढ़ाओ घटाओ, ये आंसर कहां है, एच क्यू एफ, एच क्यू एफ जेड यू, एच क्यू एफ जेड यू एफ, एच क्यू एफ जेड यू एफ आर एम एफ आर टी, अरे वाह, डी आंसर आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, प्लस वन माइनस वन की कहानी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन बिलो। आ जाओ, इनका आपस में ऐसा क्या रिलेशन है कि 38 आएगा, देखो डायगोनली चलो, 101 माइनस 15 कितना आ रहा है, सॉरी 101 प्लस 15 कितना आएगा, 116 आएगा, इधर 35 प्लस 43 कितना आएगा, 5 3 8 4 3 7 78, माइनस करो जरा इसको, 8 और 10 में से 7 गए 3, अरे वाह बढ़िया,
यानी इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के आपस में माइनस कर दो। सेम यहां पे देखो 184 प्लस 48 कितना आएगा, 8 4 12 और 8 4 12 1 10 13 3 और 1 1 2 232। इधर देखो 56 प्लस 34 कितना आया, 6 4 10 और 5 3 8 8 1 9 232 से माइनस कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 142 142 कहीं आ रहा है क्या, जी हाँ 142 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। हमने क्या बोला, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए माइनस कर दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न। ओके क्या चल रहा है, अगर मैं क्लॉकवाइज आऊंगा तो पहले डार्क है, पहले डार्क है, पहले डार्क है, पहले डार्क आएगा, यानी अगर मैं इसको बनाऊंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, इधर साइड में डार्क रहेगा, यही तो बनेगा ना। अब जरा देखो ये इधर है गलत है, इधर है सही है, ये तो डायरेक्शन ही गलत हो गया ना, ना 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 ये भी डायरेक्शन गलत हो गया। दो आएगा आंसर, बी आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको यहां पे देखना था कि कौन सा कंप्लीट करेगा मेरे इस फिगर को। ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल इंटेलिजेंस अंडर द रीजनिंग इन द मॉडल पेपर नंबर 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कंटिन्यू करिए श्रीकांत सर के साथ मैथ में, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीडीएस यूट्यूब चैनल पर, और हम डिस्कस करेंगे हमारे अर्थमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चंस। ये मॉडल पेपर नंबर हमारा 7 है और उसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में इनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे और ये देखेंगे ऑप्शन से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फार्मूला तो याद करना भाई उतना सरल नहीं होता, ठीक है, भूल जाते हैं हम लोग। कॉमन सेंस से चलोगे तो भाई क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं। देखो तो ये भाई क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जामिनेशन हुआ है, एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कूल 4 marks for the every correct, ठीक है, and lost 1 marks for the every wrong answer, ठीक है। Attempt उसने 200 question किए बेटा, भाई को number 200 ही मिले, ठीक है, number कितने मिले 200 ही मिले, तो फिर वो पूछ रहे हैं कि उनने कितने correct question किए। तो इसको वैसे हम common sense से भी कर सकते हैं, जैसे मान लो वो 100 question करेगा बेटा तो उसके number कितने होंगे, 400 होंगे, अगर वो 100 भी minus कर देगा भाई तो 300 आएंगे, तो 100 से तो कम किए उसने। अगर अपन पहुंचते हैं 70 पर तो 74 जा कितना होता है 280 मार्क्स आएंगे, और फिर 130 इससे माइनस करोगे तो बहुत कम हो जाएगा, 200 से भी नीचे जा रहा है, मतलब हमारे हिसाब से जो नंबर आएंगे ना 70 to 80 क्वेश्चन करे होंगे। चलो अपन 80 से ट्राई करते हैं, इन ऑप्शन से चल लो ना सीधा, अगर 80 किए हैं उसमें करेक्ट, चलो 80 से ही करते हैं। 80 करेक्ट किए हैं, 80 × 4 कितना होगा 320, 80 करेक्ट है तो ऑब्वियसली 120 रॉन्ग होंगे, इसमें से 120 को माइनस कर दो आप तो 0 0 ये आ गया आपका 200, तो हमारा भाई 80 ही सही है, ठीक है। और वैसे मेथड से जाओगे तो मेथड से भी चले जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन सीधा सीधा इसको कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था हमारा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भाई, सेलिंग प्राइस दिया गया है उन्होंने, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। ये पहले अपन ये समझ लो, सीपी जो रहता है हमारा एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट, ठीक है भाई। और अगर अपन को परसेंटेज प्रॉफिट निकालना पड़ जाए तो अपन क्या करते हैं, जो डिफरेंस रहता है प्रॉफिट की, जो अपनी वैल्यू रहती है उसको डिवाइड कर देते हैं बेटा अपन किससे, सीपी से, और इसमें 100 कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये अपन को फार्मूला बनता है, ठीक है। इसी को डिटेल फॉर्म में लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, प्रॉफिट मतलब आपका एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो इसमें देखा जाए तो हमको भाई ये सीपी दे दिया है इन्होंने, एसपी दे दिया है इतना, ठीक है, और हमको यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, तो ये वैल्यू हमको दी गई है 20%, ठीक है, और हमको एसपी दे दिया कितना है 2020, समझ रहे, माइनस सीपी अपॉन सीपी डिवाइडेड बाय 100 किया है हमने, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक ब्रैकेट में ऐसा मान सकते हैं, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे अपन, ठीक है, ये भी चला गया तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीपी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे सीपी इज इक्वल टू आएगा आपका 220 माइनस सीपी इंटू 5, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 220 इंटू 5, ठीक है, माइनस 5 सीपी हो जाएगा, तो यहाँ से इसको लेके जाओगे भाई तो ये प्लस में हो जाएगा तो 6 सीपी आ जाएगा, इसमें अपन को जो भी अपना वैल्यू आया है इसमें 6 का डिवाइड करोगे तो हमको आंसर
मिल जाएगा, जो अराउंड आएगा आपका 1850 के अराउंड आएगा। ये तरीका है करने का, और डायरेक्ट भी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा परसेंटेज है, यहाँ पर सीधा सीपी ने निकाल लिया 100 इन्होंने मान लिया है, ठीक है, और 120 प्रॉफिट हो रहा है, इससे अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधा हमारा 1850 भी आ जाएगा, ठीक है। ये कार्ड की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड ड्रॉ एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज आइदर किंग और स्पेड, ठीक है, ये अपन से पूछा है भाई। तो अब यहाँ पर देखो, आपको टोटल तो 52 होते हैं, ठीक है, 52 होते हैं, अपन को इनको कार्ड देखना पड़ेगा, ये नंबर कितने होते हैं कार्ड्स के। इन कार्ड्स के नंबर देखोगे आप तो वो भाई एक जो है हमारा 3, 13 और 16, ये प्रोबेबिलिटी बन रही है हमारी पूरी, सभी को हम ऐड कर देंगे तो सीधा सीधा हमारा यहाँ पे सॉल्व करोगे आप इन दोनों को, 3 और 13, मतलब 3 आपके ये है और प्लस 13, इनको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा, ये हो जाएगा 16/52, सॉल्व कर दोगे तो 4/13 आ जाएगा, 4/13 आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा इसका आंसर 4/13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago है, ठीक है, 10 years ago, द रेशो ऑफ देयर एज 5 years हेंस विल बी 2:3, द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, ये अपन से पूछा गया है, प्रेजेंट एज का आपको रेशो बताना है, ठीक है। तो 10 year अगर आप रेशो की बात करते हैं, ठीक है, लेट अगर अपन बात करें 10 year जो एज है, तो यहाँ पर एक्स ईयर और ये होगा रेशो कितना, अगर 10 year पे बात करो, एक का अपन एक्स ईयर मान लेंगे तो दूसरे का 3x year हो जाएगा, ठीक है, ये मान लिया अपन ने, और प्रेजेंट में क्या रहेगा, अब अपन को ये एगो दिया है तो एक्स प्लस 10 आ जाएगा यहाँ पर बेटा, प्रेजेंट आएंगे, और यहाँ पर होगा अपना 3x+10 हो जाएगा, ये यहाँ तक हो गया अपना, ये इसका हो गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब उसमें उन्होंने भाई फिर से बोल दिया कि 5 years, ठीक है, देयर एजेस इन 5 years, ठीक है, तो इसमें फिर प्लस होगा आपका 5 का, और रेशो ने 2/3 दे दिया है, तो यहाँ से पूरा एक इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पर x प्लस 10 रहेगा हमारा प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा 3x+10 और फिर प्लाई, और इसका रेशो हो गया 2/3, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हमको x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उससे अपना पूरा इनका करंट एज निकाल सकते, उसमें जो भी एज आएगा उसमें 5 का प्लस करते चले जाओगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:5, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन, बट है बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, ये देखो ये पूरा सॉल्यूशन इसका, जैसा मैं आपको बता रहा था कि भाई देखो यहाँ पे 10 years एगो एज ऑफ राम एंड रहीम, एक्स ईयर ये हो गया, तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया 10 years एगो है तो एक्स प्लस 10 हो गया या 3x+10 हो गया, इसका रेशो उन्होंने दिया हुआ है अपन को, कितना दिया है इसका रेशो, उस यहाँ से सॉल्व करने में हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ से भी कर सकते हो। फिर उन्होंने एक और कंडीशन दे दी 5 और उसमें प्रेजेंट पे 5 years, तो ये 5+ एड हो जाएंगे दोनों में, 2/3 रेशो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो फिर आपका सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा x=5 आ गया। अब अपन को x की वैल्यू 5 मिल चुकी है, तो अब 10 years एगो का पूछा है उन्होंने, तो ये इक्वेशन रहेगा हमारा, उसका रेट इसमें वैल्यू पुट करना होगी हमको, तो हमें पता चल जाएगा 3:5 हमारा उसका आंसर, ठीक है। रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ द टू बस 5:3, फर्स्ट बस 400 किलोमीटर देन द फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड बस, अच्छा क्वेश्चन है ये, रेशो दिया गया है बेटा, स्पीड का रेशो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया अपन लोगों को, स्पीड का रेशो दिया है। देखो यहाँ पर पहले अपन क्या करें, सबसे पहले लिख ले इधर पे, फर्स्ट बस जो है हमारा, ठीक है, फर्स्ट बस की स्पीड कितनी है, ठीक है, फर्स्ट बस की जो स्पीड है अगर हम मान सकते हैं 5x, ठीक है, और सेकंड बस की स्पीड कितनी हो जाएगी, सेकंड बस की 3x हो जाएगी, रेशो ही है उनका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में अगर देखें फर्स्ट बस जो है स्पीड 5x, डिस्टेंस कितना है 400, कितने टाइम में कवर करता है बेटा, 8 आवर्स में कवर करता है, यहाँ से भाई हमको x की वैल्यू तो मिल गई ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5, 8 जा तो ये 80 हो जाएगा, 10 आ जाएगा x की वैल्यू अपना, x का वैल्यू जैसे ही 10 आया तो हमको पता चल गया था, अब अपन को बताना किसकी, सेकंड की, तो सेकंड की स्पीड कितनी होगी, 3x होगी ना, तो 30 किलोमीटर/आवर हो जाएगी, ठीक है, 3x का पूछा है तो उसका सीधा 30 किलोमीटर/आवर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना, ध्यान दिया, टू ट्रेन की जो लेंथ है आपकी, दो ट्रेनें हैं हमारी, उनकी लेंथ दी गई है अपन को, ट्रेनों की क्या दी गई है बेटा, इसमें लेंथ दी गई है, जो अपनी ट्रेन हैं उनकी लेंथ इन्होंने दे दी है, ठीक है, ट्रेन की क्या दी है अपन को, लेंथ दे दी है इस ट्रेन की, कि भाई ये जो ट्रेन है लेंथ है आपकी, ठीक है, यहाँ पर 70 मीटर 90 मीटर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 10 मीटर पर सेकेंड
एंड 6 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द टेन। यहाँ ऐड हो जाएगा आपका, अपोजिट डायरेक्शंस में है ये, तो यहाँ पर इनकी स्पीड तो वैसे ही ऐड होना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर आप सीधा देखेंगे, ठीक है, टाइम को निकालोगे तो आपका क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहेगा, ठीक है। तो दोनों की डिस्टेंस x प्लस वाई अपनी ऐड करना है, दोनों की स्पीड को ऐड करना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में सीधा सीधा यहां से अपना टाइम निकल आएगा। x प्लस वाई कितना है हमारा, 70 प्लस 90 हो गया, और नीचे है 10 प्लस 6 है। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 70 प्लस 90 कितना होगा आपका 160 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 16 हो जाएगा, सीधा सीधा अपना 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो इसमें दिया 10 सेकंड, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रही होती बेटा तो स्पीड जो होती है वो अपनी माइनस हो जाती है, ये ध्यान रखना बस। इस क्वेश्चन में केवल इतना सा पॉइंट था और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया अपन को एक गेम है, 100 पॉइंट्स है, ठीक है। एक व्यक्ति है ए, हमारा स्कोर करता है 100 पॉइंट, और बी स्कोर करता है 65 पॉइंट। इन दिस गेम हाउ मच पॉइंट्स कैन ए गिव टू बी, भाई ए ने अपने कितने पॉइंट बी को दे दिए ये अपन को बताना है, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी बात है भाई, ठीक है, कि बी ने स्कोर किया है 65 और ए ने कितना किया है 100। तो बताओ ए इसमें पूछ रहे हैं ए ने अपने कितने पॉइंट दे दिए, तो भाई 30 पॉइंट दे दिए, दो लोग का मैच चल रहा था, ठीक है। तो अब इसमें क्या सॉल्व करोगे आप लोग, सीधा सीधा दो लोगों का मैच चल रहा था भाई, ए और बी का 100 नंबर का टोटल था कि भाई तुम ले लो जो, तो इसको मान लो ए को अपने, इसको बी को कितने मिले 65 और ए को कितने मिले 100 पॉइंट, ठीक है। तो भाई अगर बात करें कि इसने ए ने बी को कितने पॉइंट दिए, तो भाई ए ने अपने पास 35 पॉइंट थे तो वो दे दिए इसको, ठीक है। ए ने बी को ए गिव टू द बी, ए ने बी को कितने पॉइंट दे दिए ये अपन से पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो आप, ए का स्कोर इतना है सीधा माइनस करना बेटा, कुछ नहीं करना, ठीक है, ये हो गया माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डायग्राम हमको डरा सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें डायग्राम को देखें आप, सबसे पहले देखो दिया गया है गिवन फिगर ए इज पैरेलल टू द सीडी इफ जेड एसीबी इज 80, ठीक है, जेड ईएफसी इज 25 डिग्री, देन जेड सीएफ इज इक्वल टू, ये एंगल का इन्होंने पूछ लिया अपन से, ठीक है, एंगल का पूछा गया है। तो भाई इसमें सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट चलना है, यहाँ पर देखो हमारा जो रहेगा आंसर इसमें, इसको सॉल्यूशन को अगर आप देखते हैं तो 55 इसका आंसर होगा। यहाँ पर आपका जो ट्रायंगल है जो हमको उसको जिसको अपन पूछ रहा है उसको एक्स मान लिया अपन लोगों ने, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, यहाँ से इनके एंगल्स बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है ना, ये साइड एफ सी प्रोड्यूस टू डी, तो यहाँ से सीधा आपका आंसर आएगा एक्स प्लस 25, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 55 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं अगर हम, ये क्वेश्चन अपना प्रोबेबिलिटी का है, अगर इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट इज अ वॉल, तो कितने होते हैं भाई हमारे वॉल, ये उस हिसाब से चलेगा, ठीक है, कौन से वाले हैं, ये सिंगल लेटर सिलेक्टेड फ्रॉम रैंडम फ्रॉम द वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी इज लेटर ऑफ वॉल, ठीक है, ये अपन को बताना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है इसमें, आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, वोवेल्स उसमें से 4 हैं, इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, ये सिंगल लेटर सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ये प्रोबेबिलिटी ये है बेटा, इसमें 11 लेटर है अपने, ये 11 लेटर है अपने टोटल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बाउल, बाउल कितने कितने, देखो ए ई आई ओ यू, ये हमारी प्रोबेबिलिटी कितने हैं आपके, इसमें 4 है, 1, 2, 3, 4, तो सीधा 4/11, इसमें क्या था क्वेश्चन, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपन से, ए लॉटरी में 10,000 टिकट्स आर सोल्ड, देन 10 प्राइजेस आर अवार्डेड, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट, आपने 1 टिकट लिया और आपको प्राइज नहीं मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो भाई लॉटरी में टिकट कितने हैं अपने 10,000 टिकट, ठीक है, sold and 10 prizes are awarded, so 10 prize दिए गए, probability not getting the prize if you buy 1 ticket, तो भाई probability नहीं मिलने की कितनी probability है, ठीक है, नहीं मिलने की probability बताने, तो ticket तो total कितने हैं भाई अपने, ticket total कितने हैं, ticket जो total हैं अपने वो कितने हैं, total ticket का number देखते हैं सबसे पहले, total ticket कितने हैं 10,000 है भाई, ठीक है, total ticket 10,000 है, total prize जो मिलती है
प्राइस कितने का मिलना है अपन को भाई, 10 का मिलना है अपन को प्राइस, ठीक है। तो ये यहाँ से सीधा निकालोगे आप 10 upon 10,000, ये हो गई 1 upon 1,000 किसकी प्रोबेबिलिटी भाई, किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग द प्राइस, ये तो प्राइस मिलने की प्रोबेबिलिटी, नॉट गेटिंग द प्राइस, तो इसमें से माइनस कर दो, 1 minus 1 upon 1,000 करो, कितना आएगा आंसर, 99 divided by 1,000, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। पहले मिलने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, उसके बाद में से उसको माइनस कर दिया अपन ने, तो वो हो जाएगा भाई ना मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्या होगी हमारी, ना मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एरिया इज द रेशियो ऑफ 1:3, 1:4, 1:5, द पेरीमीटर इज 94 centimeter, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, अपने ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ बताना है। तो देखो रेशियो दिया था, रेशियो को अपन ने कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें अपन ने, यहाँ पर ये हो गया 20 हो गया, ये 15 हो गया, 12 हो गया, लेंथ ऑफ साइड ये हो जाएंगे हमारी पेरीमीटर उन्होंने पूरा दिया हुआ है 94, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा, स्मॉलेस्ट साइड सबसे 12x होगी, मल्टीप्लाई कर दो भाई तो आपका 24 आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा है। ये जो 345 लिखा है ये एक्सेस है, ये अतिरिक्त है, यहाँ पर ये अलग हो गया है, ये कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, अपन ने इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो कि सब डिवाइड हो जाए, कि इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अपन क्या ले सकते हैं भाई, अपन किसको लेंगे, सबसे डिवाइड हो जाएगा वो, ठीक है। अपन को ऐसा ले लेते हैं, अपन मान लो 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, 30 में आपका 4 नहीं होगा डिवाइड, आपको ऐसा नंबर लेना है जो सभी से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें 60 ले लो, 60 सबसे चलेगा, यहाँ 20 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है, और ये 12 हो जाएगा, तो ये हो गया भाई हमारा रेशो। अब इनका टोटल उन्होंने दिया हुआ है 20x 15x 12x = 94, एक्स की वैल्यू अपन लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू अपनी आ जाती है 2। तो अब आपको भाई स्मॉलेस्ट का पूछ रहा है, तो 12x × 12x × 12 × 2 = 24 centimeter हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, हर्ष मेक अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ 20,000 इन अ बैंक ऑफ इंडिया पीरियड ऑफ 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% सिंपल स्टेंट पर एनम, ठीक है, पर एनम चार्ज हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट ही गेट आफ्टर 42 months, 42 months में उसको कितना पैसा मिलेगा, ज्यादा तो मिलेगा ये तो बात पक्की है, ब्याज बैंक बहुत ज्यादा ही दे रहा है, ब्याज भी अच्छा खासा दे रहा है, बैंक नहीं दे रहा, ब्याज भी बैंक क्या दे रहा है, अच्छा दे रहा है बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको टाइम देखना है, ईयर में देखा जाए तो 42 months यहीं पे पूरा ट्विस्ट है, 42 months इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे 3 1/2 years आएंगे, कन्वर्ट कर लोगे आप ईयर में, इसको 12 से डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड करोगे तो आपका ये 3.5 साल के समथिंग आ जाएगा, 3.5 ईयर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो रेट है ना 13% है, लेकिन वो एनुअली हाफ ईयरली है, ठीक है, 13% है वो हाफ ईयरली है, ठीक है, 13% हाफ ईयरली मतलब आपका सीधा सीधा है 13/2% उसको मिल रहा है, ठीक है। तो आप इससे कैलकुलेट करोगे सीधा, सिंपल इंटरेस्ट को निकालोगे, वही हमारा फार्मूला होता है PRT/100 से, तो सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, आपका आंसर आएगा ये 2910, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें दिक्कत ये 13% जो है ना पूरा रेट नहीं रखना है एसेट हमारे लिए, क्यों, क्योंकि भाई वो हाफ ईयरली है, तो उसमें 13/2 रहेगा, ठीक है, ये पहले नंबर पर। फिर आपको क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे इसका जितना भी हमारा आता है, और उसको फिर अपन प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट इतना हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तो ये किया गया है सॉल्व। यहाँ पर टाइम अपना कितना है बेटा, 42 months है, इसको अपन ने इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये 7/2 × 2, ठीक है, 7/2 7 हाफ ईयर रेट है, तो ये 13% हाफ ईयरली रेट है। यहाँ से आपने 2000 किया, 30 divided by 2 किया, 7/2 13% है, ये 2 नीचे आ गया, यहाँ से 900 आ गया, इसको प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे हमारे, तो क्या बन जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ लेस देन 50, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 less than 50, ठीक है। तो इसके लिए सीधा सीधा आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, ऑल पॉजिटिव नंबर लेस देन 3, 3, 6, 9, ये रहेगा टेबल रहेगा पूरा 3 का, तो n नंबर ऑफ मल्टीपल लेस देन 3 50 = 16 आएंगे, ठीक है, तो
एन इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, समझ रहे? तो यहाँ से आप करेगा सम इज इक्वल टू क्या आएगा, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म ये रहेगा डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला होता है, इससे आएगा 408 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर। इसमें भी आपको फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट नेचुरल नंबर का फार्मूला सीधा ये रहता है, इसको आप फॉलो करेंगे यहाँ से n into n plus 1 divided by 2 divided by n, इसको फॉलो करोगे तो हमारा 49 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 49, अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 49, ठीक है, 49 एकदम अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है 20% ऑफ x एंड 30% ऑफ y, x y का रेशो पूछा गया है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर 20% ऑफ x एंड 30% ऑफ y पूछा गया है, जिसमें सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा हमको, इसको आप लिखोगे तो इक्वेशन बनाना पड़ेंगे आपको, 20 डिवाइडेड बाय 100 एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स का ये पार्ट हो गया, इज इक्वल टू क्या आएगा 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू वाई आएगा, ये हो गया। अब इनका रेशो निकालना है तो डिवाइड करना है, इनको कुछ नहीं करना आपको, डिवाइड कर दीजिए तो 20x, ठीक है, और 30y आ जाएगा, रेशो निकालोगे एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू आएगा आपका 30/20, तो सीधा आएगा आपका क्या 2:3 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 3:2 आएगा, ये आंसर अपना एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर अपना करेक्ट होगा 30/20, तो ये रेशो में ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए बैग हैज 35 डिनोमिनेशन ऑफ, उसमें भाई सिक्के नोट सब है, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के, द क्वाइंस आर रेशो ऑफ द 6, 9, 10, हाउ मेनी क्वाइंस 5 रुपए के, कितने क्वाइन है बैग में। तो आपको रेशो दिया है, सबको आपको वही करना है सीधा सीधा, यहाँ पर आपको दिया गया है जो अपन को मालूम नहीं है किस कौन से क्वाइन है, 2, 5 और 10 क्वाइंस है, तो अपन ये मान सकते हैं कि मल्टीपल x है, ठीक है, तो x मल्टीपल है, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहाँ पे देखो 785 रुपीज है, ये इनके रेशो दिया गया है, तो सीधा अपन क्या करेंगे, 2 में अपन x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 रुपए के कितने हो जाएंगे भाई 6x हो जाएंगे, ठीक है, 5 रुपए के कितने हो जाएंगे 9x हो जाएंगे, और 10 रुपए के कितने ये होंगे 10 रुपीज के 10x हो जाएंगे, इन सबको ऐड करोगे 75 निकलेगा, x की वैल्यू निकल आएगी, और 5 रुपए के निकालना है तो भाई ये है, इसको सॉल्व कर दो तो 45 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा है क्वेश्चन, देखो इसको ऐसे तरीके, दूसरा तरीका भी इसको करने का मैं यही करके दिखाता हूँ, आप इतना सब ना करो, सीधा सीधा दिमाग में रखो कि भाई x मान लिया है अपन ने अगर, तो देखो 6x प्लस 2 ये हो गया पहला पैरामीटर इंटू 2, ये दूसरा हो गया हमारा भाई 5 × 9x हो जाएगा, प्लस ये 10 रुपीज के हैं तो 10 × 10x हो जाएगा, टोटल कितना 785, इसको सॉल्व कर दो आपको x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू को यहाँ पे 9x की जगह पुट करना है, ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट मत कर देना 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो तो फिर अमाउंट आ जाएगा, आपसे नंबर पूछ रहे हैं तो इसमें 9x आएगा, ठीक है, 9x का आपका नंबर आएगा, जैसे अपन ने देखा x की वैल्यू 5 आ रही है तो 5×9 जा कितना होता है 45 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अपना, कि ये जो सेलिंग प्राइस पूछी गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस, ठीक है, अब बाइसिकल का सीट यहाँ पर भाई सेलिंग प्राइस दे दिया एसपी इतना है, ठीक है, और उसमें 10% का लॉस हो जाता है, बट प्राइस विल बी लॉस 19%, 90% किस प्राइस पर लॉस होगा, तो आपका सिंपल सा वही हमारे फार्मूले हैं, ठीक है, सीपी इज इक्वल टू क्या होगा आपका एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज लॉस, ये फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा आपको सीधा सीधा, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारा 1200 × 100 माइनस क्या होगा 10 × 90 आएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो यहां से सॉल्व होते हमारा आगे चला जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा 12,000, ठीक है, 12,000 / 9 आएगा, 12,000 / 9, तो अगर आप उसको क्रॉस कर दोगे 3 से तो सीधा आ जाएगा हमारा 4,000 / 9, ठीक है, तो ये हमारा सीपी निकल के आ गया। अब हमको देखना है 19% कब होगा, आगे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तो फिर 19% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वहां पे और 19%, तो आपको क्या 1900 में से करोगे तो सीपी इंटू 81/100, ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना हो रहा है 19% लॉसेज, यहाँ पर आप रखोगे 19 की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग पूरा तो हमको यहाँ पे फाइनल मिल जाएगा सीपी की वैल्यू,
सी की वैल्यू आएगी हमारी 1080 रुपीज, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1080 रुपीज आ जाएगी, ठीक है। ये है स्पीड दी गई है, ठीक है। ये स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज द सेम है। अब इसको कन्वर्जन किया गया है बेटा, सीधा सीधा है हमारा 5118 का कन्वर्जन पूछ रहा है आपसे, बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। कन्वर्जन पूछा गया है, कन्वर्जन आपके बन जाएगा। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा 12.5 इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ आरएस 8 ईयर्स एंड 6 मंथ एट द 6% पर एनम, ठीक है। तो इसको जैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, हमारा पीआरटी वाला फार्मूला लगा लो गया। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहां से इसको सॉल्व कर लो, पहले आप 8 के लिए निकाल लो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट अपन 8 के लिए निकाल लेते हैं, तो यहां से रखोगे आप 72.5 × 6 × 8/100, ये काट दोगे आप इनको, तो फिर आप क्या करोगे 8/2 करना। इसमें फिर आपको जब 6 मंथ का लोगे ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा 6/2 हो जाएगा, तो वो अलग से निकाल के उसमें ऐड कर देना, तो सीधा आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से किया गया, ठीक है। आप पहले 6% का निकाल लीजिए, फिर फाइनली जो भी आता है उसमें आपको यहाँ पे पॉइंट आपको 6/2 से निकाल लीजिए, ऐड कर दोगे तो हमारा आएगा 3825, सीधा सीधा हो जाएगा सॉल्व। इसको इस तरीके से आप आसानी से कर लोगे। पहले क्या करना है 7500 × 6, ये कर दिया अपन ने। अपन ईयरली कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। ईयरली कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये भाई हमने निकाल लिया। अब हमारे पास दूसरा जो ईयर है, 6 मंथ का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर होता है। ये हाफ की वैल्यू रखोगे आप, 72500 × 8 की जगह 1/2 आएगा, तो 2 नीचे चला जाएगा, इंटू 6, तो इससे जो भी वैल्यू आएगी आपको 3750, ये इंटू 6, ये वैल्यू को इस वाली वैल्यू में ऐड करोगे आप, तो टोटल पता चल जाएगा अपन को। अलग अलग तरीके से इसको करके सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर आर इन द रेशो आप, ये दिया है एलसीएम उनका इतना है, तो एससीएम निकालना है आपको सीधा सीधा। इसमें कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें अपन को क्या दिया है भाई, उन लोगों ने नंबर का रेशो दिया, तो पहले तो अपन मान लेते 3x है ये हमारे, 4x और 5x, ठीक है। ये हो गए हमारे LCM, जो होगा इनका मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दो तो 6x आएगा, ठीक है। अब हमें पता है फार्मूला, सीधा सीधा हमको फार्मूला अच्छे से पता है कि यहाँ पर जब x की वैल्यू, LCM की वैल्यू तो हमको दी है 2400 दिया हुआ है, तो 60x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, 40 आ जाएगी। अब 40 आ जाएगी, नंबर ये है हमारे, तो नंबर में आप इनको नंबर निकाल लोगे तो नंबर मिलेंगे हमको भाई 3 × 40 आपका 4 × 40 मिलेगा, 5 × 40 मिलेगा, ठीक है। तो इनमें अगर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर तो 40 चल रहा ना भाई, तो HCF क्या होगा, 40 हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर अपना 40 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन से इनको ध्यान से करें, प्रॉपर मॉडल पेपर को अटेंड करें। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए, ऑल द बेस्ट, ओके।